ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो सप्लाई अंडर जीएसटी है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन कौन सा है? सेवन सेक्शन। क्या पढ़ा था हमने? इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था है ना, उसमें कुछ डेफिनेशंस भी वो हमने पढ़ ली थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, सेक्शन सेवन ऑफ क्या, जीएसटी एक्ट। तो इसमें क्या क्या था? सेक्शन सेवन पढ़ना था हमें, जैसे कि हमें कहा गया था इसमें। उसके बाद हमें साथ में साथ पढ़ना चाहिए सेक्शन नंबर क्या, एट। एट है टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, और सेक्शन सेवन कहता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ क्या, सप्लाई। शेड्यूल वन पढ़ना था, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट क्या, कंसिडरेशन। शेड्यूल टू किसकी बात करता है? एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ क्या, सर्विसेज। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए शेड्यूल दिया गया है। और शेड्यूल थ्री किसकी बात करता है? एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ क्या, सर्विसेज। उसके बाद एक और स्टेचुटरी प्रोविजन का जो टेबल था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा स्टार लगा के रखो। ये टेबल एज इट इज हमें लर्न होना चाहिए। कभी भी कोई भी पूछे कि इसमें सेक्शन कौन सा था, सब सेक्शन कौन सा था, और उसमें किसकी बात की जा रही है। तो मेन है सेक्शन सेवन का सब सेक्शन वन, जो बात करता है कि सप्लाई का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। और इसकी शुरुआत होती थी किससे? सप्लाई इंक्लूड से, है ना। अब सप्लाई होने के लिए कोई भी चीज हो सकती है सप्लाई। सप्लाई हो सकता है गुड्स का, या सप्लाई हो सकता है सर्विसेज का। और ये जो वर्ड है सप्लाई, सप्लाई मतलब सेल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बार्टर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, रेंटल हो सकता है, लीज या क्या हो सकता है, डिस्पोजल हो सकता है। चाहे कर दिया गया हो तो भी सप्लाई है, और एग्री किया गया है कि करेंगे तो भी क्या है, सप्लाई है। और अ क्या है बेटा? कंसिडरेशन। किसके द्वारा किया जाना चाहिए? पर्सन के द्वारा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ क्या, बिजनेस। सेक्शन सेवन सब सेक्शन वन का क्लॉज ए हमने पढ़ा कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। क्लॉज बी किसकी बात करता है? सप्लाई का ही मतलब होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या? फॉर ए कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ क्या, बिजनेस। फिर वैसे तो हर चीज सप्लाई तभी मानी जाती है जब वो यूज की जाती है फॉर द कोर्स और फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पर अगर आप इम्पोर्ट करते हो सप्लाई का, अगर आप सप्लाई का क्या करते हो, इम्पोर्ट, चाहे फिर उसका बिजनेस से कोई कनेक्शन हो चाहे ना हो, इट इज स्टिल ट्रीटेड एज क्या, सप्लाई। द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट क्या, कंसिडरेशन। शेड्यूल वन तो इसी की बात करता है कि जहां कंसिडरेशन ना भी हो तो भी वो क्या कहलाएंगे, सप्लाई। सेक्शन सेवन का सब सेक्शन वन ए किसकी बात करता है? वेदर सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन दे शैल ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर वो आपको लगता भी वो रीड करके कि इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और इट इज अ सप्लाई ऑफ क्या, सर्विसेज, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, पर कंफ्यूजन है तो कुछ एग्जांपल्स के साथ शेड्यूल टू आपको बताएगा कि इसको क्या कंसीडर करना है, वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स कंसीडर करना है या सप्लाई ऑफ सर्विस कंसीडर करना है। सेक्शन सेवन का सबसेक्शन टू क्या कहता है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन वन, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई किए जाएंगे किसमें, शेड्यूल थ्री में। सच एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो कौन अंडरटेक करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, या तो कौन अंडरटेक करेगा, एनी लोकल अथॉरिटी जो एंगेज है एज अ पब्लिक अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ क्या, सर्विसेज। मतलब सरकार खुद के द्वारा प्रोवाइड किए गए, सप्लाई किए गए गुड्स को और सप्लाई किए गए सर्विसेज को एग्जम्प्ट कर सकती है कि ये ना तो गुड्स का सप्लाई है ना तो सर्विसेज का। उसके बाद सेक्शन सेवन का सब सेक्शन थ्री, सब्जेक्ट टू सेक्शन वन, वन ए एंड टू, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ काउंसिल या स्पेसिफाई कर सकती है किसी भी गुड्स के सप्लाई को, बोल सकती है मान लो कि ये किसका सप्लाई है, सर्विस का, और किसी भी सप्लाई हो सर्विस का बोल सकती है कि मान लो ये सर्विस नहीं है, ये क्या है, गुड्स। तो बिना कोई अक्कल लड़ाए, होता है ना, इंसान को भगवान ने क्या दिया है, दिमाग, और हम दिमाग से क्या करते हैं, अक्कल लड़ाते हैं। पर यहाँ पे आपके दिमाग की बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, इतना मस्त पावर दिया है सेक्शन सेवन सब सेक्शन थ्री में। गुड्स को मान लो सब सर्विस, सर्विस को मान लो गुड्स। अब उन्होंने बोला मान लो तो मान लो, फिर उसमें भेजा अपना चलाने का नहीं, नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं। फिर पूरे चला, पूरे चलेंगे अपन आगे अपने लेक्चर की, अभी शुरुआत करते हैं। अगर वो टेबल अच्छे से ध्यान में है आपके, तो आज जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है।
इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ क्या बिजनेस, कहां हुई थी इसकी बात? हाँ, सप्लाई की डेफिनेशन में। सेक्शन कौन सा था? 7। सब सेक्शन कौन सा था? 1। क्लॉज ए था जो बात करता है सप्लाई किस चीज का है, गुड्स या सप्लाई का, सेल हो, एक्सचेंज हो या क्या हो, बार्टर हो। फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए बाय अ पर्सन होना चाहिए, एंड फॉर फर्दरेंस ऑफ क्या होना चाहिए, बिजनेस। उसी में सेक्शन 7 में ही, सब सेक्शन 1 में ही क्लॉज ए के अलावा क्लॉज क्या था, ये बी था, जो किसकी बात करता था, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की। अब इसके बारे में पढ़ते क्या लिखा है, देखो। द कॉनोटेशन ऑफ सप्लाई गेट्स एक्सपांडेड सिग्निफिकेंटली थ्रू द सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 7, दैट इज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, विच ब्रिंग्स विद इन द एम्बिट ऑफ सप्लाई द इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन। यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है सर्विस का और हो रहा है फॉर अ कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। This is the only exception to a condition of supply made in the course or furtherance of क्या business। वैसे तो हर वक्त supply तभी supply माना जाएगा जब वो होगा in course और in furtherance of क्या business। वहां पे सिर्फ एक मात्र exception क्या है, section 7 subsection 1 clause b, जहां आप क्या करते हो, services का import करते हो, by a person ही होगा वो, और अ कंसिडरेशन ही होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही हो। अब इसका एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल विल मेक दिस क्लॉज वेरी क्लियर। रमैया इज ए प्रोप्राइटर, हैज रिसीव्ड ए आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज हाउस। वैसे हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो क्या एग्जाम्पल लिया, आपके बेटे के लिए आपने कोचिंग लिया, पर्सनल कोचिंग। यहां हमने एक आर्किटेक्ट की सर्विसेस ली फॉर हिज क्या House from a architect located in New York at an agreed consideration of $5,000. The import of services by Ramaya is a supply under section 7 subsection 1 clause B, though it is not in a course or furtherance of क्या business। तो आपको confuse करने वाले question exam paper में देखने मिलेंगे, particularly जहां पे services का मामला आएगा। तो आपको एक question mix करके देंगे कि particular एक assessee है Mr. X, मिस्टर एक्स ने 3-4 प्रकार के सर्विसेज को इंपोर्ट किया, तो आपको ये दिखाना है सर्विसेज कैसी भी इंपोर्ट करे, चाहे वो पर्सनल नेचर के लिए हो, चाहे इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, आपको उसको क्या ट्रीट करना है, सप्लाई ही ट्रीट करना है। अभी तक देखो मैं बहुत स्पेसिफिक हूं, जब जब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको क्या ट्रीट करना है सप्लाई, मैं बार बार सप्लाई के साथ कंपल्सरीली वर्ड नहीं यूज कर रहा कि इस पे क्या लगाओ, टैक्स लगाओ। सप्लाई अलग कॉन्सेप्ट है और टैक्सेबल सप्लाई एक अलग कॉन्सेप्ट है। मोटा मोटी तो अगर वो सप्लाई है तो उस पर क्या लगना चाहिए जीएसटी, पर उस रूल में भी थोड़े बहुत क्या आएंगे एक्सेप्शंस हमें देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर की जो आर्किटेक्ट की जो सर्विस है जो हमने इम्पोर्ट की थी, भले ही वो आर्किटेक्ट की सर्विस किस लिए इम्पोर्ट की थी, हमारे घर के लिए, पर्सनल नेचर की है। हाँ, अगर सर्विसेज इंपोर्ट नहीं की है, डोमेस्टिकली ही बाय की गई है और वो नॉट फॉर अ कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा? नहीं। सप्लाई तभी, अगर नॉट फॉर कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो तभी भी सप्लाई माना जाता है जब वो इंपोर्ट की गई क्या हो, सर्विस हो। कोई पर्टिकुलर आपके दिमाग में चीज कि वाई डू गवर्नमेंट कंसिडर दिस एज अ सप्लाई एंड वाई डू दे वॉन्ट टू टेक अ टैक्स ऑन दिस, रीजन क्या होगा? अरे भाई, किसी ने ये बनाया होगा तो उसके पीछे कुछ रैशनल या लॉजिक तो लगाया होगा। लॉजिक सिंपल है, देखिए, एज एन इंडिया वी आर अ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी। हम चाइना के जैसी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी भी मेजर जो सेक्टर है जहाँ लोग ज्यादातर एम्प्लॉयड है, वो कौन सा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर। अब हमारी कोशिश है कि हम सर्विस सेक्टर का तमगा जो हम पे लगा है इसे दूर करके एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, क्योंकि अगर हमें ग्रोथ को सस्टेन करना है और ज्यादा ग्रो करना है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रोजगार देना है तो ये सर्विस सेक्टर पे डिपेंड रह के नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को बढ़ाना होगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग सर्विस सेक्टर है हमारे देश का उसको डिस्करेज किया जाए। तो यहाँ पर आमतौर पर ये प्रोविजन खास इसलिए लाया गया है उन लोगों को डिस्करेज करने के लिए जो अभी भी सर्विस का क्या करते हैं,
इंपोर्ट करते। जब इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर हमारे देश में ही मौजूद है तो क्यों ना आप उन्हीं से सर्विसेज बाय करें। अगर आप सर्विस, हम तो गुड्स तो बाय करते ही है मोस्टली, कहां से, फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करते। अगर हम सर्विसेज भी इंपोर्ट करने लगे तो उससे हमारी ही डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या होगी, हैम्पर होगी, इस पे इसका विपरीत परिणाम होगा और ये नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्विस इंपोर्ट करने वाले को ये लगना चाहिए कि यार पैसा तो मैं सर्विस का दे रहा हूँ, ऊपर से मुझे क्या देना पड़ रहा है, टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो आई शुडंट बाय दिस सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, बेटर टू बाय इट डोमेस्टिकली। दूसरा पर्पज इसका ये भी है कि अगर ये सर्विसेज आप इंपोर्ट कर रहे हो तो, और इस तरह से अगर इंडियन सर्विस इंपोर्टर डिस्करेज होता रहे तो फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कहीं ना कहीं सोचेगा, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, व्हाई नॉट टू सेट अप ए बिजनेस इन इंडिया। तो वो खुद ही आ जाएगा अगर उसका बिजनेस अफेक्ट होने लगा तो। इसके दो बेनिफिट है, एक तो यहाँ से सर्विस का इंपोर्ट थोड़ा डिस्करेज होगा और दूसरा अगर बिजनेस पोटेंशियल है किसी फॉरेन सेलर में तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि मैं इंडिया में ही बिजनेस सेटअप करके वहां से क्या प्रोवाइड करूँ सर्विस, तो उससे हमारी इकोनॉमी को भी थोड़ा सा क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो ये काफी थॉटफुल एक क्या लगाया गया है, क्लॉज लाया गया है। एज अ टीचर, एज अ ऑनलाइन ट्यूटर, मैं तो बहुत सपोर्ट करता हूँ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का। कहीं ऐसा हो गया तो सारी कोचिंग सर्विसेज भी बच्चे क्या करने लगे, इंपोर्ट करने लगे, तो हम तो भाई एक और कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा, वैसे मार्केट में कॉम्पिटिशन की कोई कमी नहीं है। अब है एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, इसकी बात कहां होती है, शेड्यूल वन में, और ये कहां कहा गया है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद क्लॉज कौन था, सी, और उसको साथ में पढ़ना है किसके, शेड्यूल 1 के। अब ये क्या कहता है, देयर आर इंस्टेंसेस वेयर एन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ द सेम इज विदाउट क्या, कंसिडरेशन। मतलब एक एक्सेप्शन था विदाउट कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का, इसमें एक ही एक्सेप्शन है, वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब बात हो रही है कि अगर आप किसी चीज को सप्लाई मानते भी हो, मतलब सप्लाई के सारे इंग्रेडिएंट मौजूद है वहां पे, मतलब क्या है, या तो वो गुड्स है या तो वो क्या है, सर्विसेज है, प्रोवाइड की गई है बाय क्या, पर्सन, यूज हो रही है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, पर क्या मौजूद नहीं है, कंसिडरेशन ही उसमें मौजूद नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल भी लेंगे और इसको समझेंगे। देयर आर इंस्टेंसेस वेयर एन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ द सेम इज विदाउट कंसिडरेशन, दीज आर स्पेसिफिकली मेंशनड इन केयर शेड्यूल 1 अपेंडेड टू द सीजीएसटी एक्ट। मतलब अपेंडिक्स के तौर पे जोड़ा हुआ है इसको, जो शेड्यूल्ड है ना वो एक्ट का ही क्या है, एक पार्ट है। अपेंड करना मतलब क्या, साथ में जोड़ना। The same has been discussed in a subsequent paras. तो इसको थोड़ा सा गौर से समझेंगे हम पूरे केस और सिनारियों के साथ। In the past regime, क्यों ये लाना पड़ा कि बिना consideration से किया हुआ transaction भी क्या माना पड़ रहा है, supply मानना पड़ रहा है, क्यों, ये सब सरकार अपनी खुशी से नहीं लाती, सरकारों को किसने मजबूर किया है ये सब करने के लिए, लोग नहीं है, वो लोगों का नाम है, उन लोगों को बोला जाता है क्या, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसी ऐसी एंट्रियां घुमाते हैं बुक में, ऐसी ऐसी एंट्रियां घुमाते कि किसी का बाप ना पकड़ सके कि इस पे क्या लगना चाहिए टैक्स, और कोर्ट में जाके ना जीत कर भी आते हैं अपनी बात को साबित भी कर देते हैं। तो इन द पास्ट रिगिंग इन एवरी टैक्स स्टैट्यूट कंसिडरेशन प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर लिविंग टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल इफ एनी सर्विसेस वॉज प्रोवाइडेड फॉर फ्री, ये बहुत होता है, सर्विसेज कैसी प्रोवाइड की जाती है, फ्री पे, मेरे लेक्चर चल रहे हैं यूट्यूब पे फोकट में, क्या बोलेंगे इसको, सर्विस वॉज प्रोवाइडेड फॉर फ्री टू ए पर्सन, सच सर्विस वॉट नॉट सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स। तो पहले ये था कि आपने अगर सर्विस के पैसे ही नहीं लिए तो उस पर सर्विस टैक्स लेने का क्या नहीं आता, सवाल ही नहीं आता। However, under GST, an importance of consideration has been diluted. क्योंकि देखो कहीं ना कहीं लॉ मेकर को यह पता है कि कोई किसी को फ्री में सर्विस देता नहीं है, जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, स्वार्थ रहा होगा, या कोई ना कोई इसको फायदा जरूर हो रहा है। सब लोग मेरे जैसे निस्वार्थी स्वभाव के नहीं रहते,
जो बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के और बिना किसी स्वार्थ के, मात्र अपनी विद्यार्थियों की भलाई के लिए, हंसो मत, मात्र अपनी विद्यार्थियों के कल्याण के लिए अपनी सर्विसेज कैसा प्रोवाइड करे, फ्री में। बट वैसे मैं बता दूं, ये सर्विसेज फ्री रहने वाली नहीं है। YouTube पे जो भी देख रहे हैं, ये मत सोचो कि सारा कोर्स कैसा अवेलेबल होगा, फ्री में अवेलेबल होगा। यू विल हैव टू बाय द लेक्चर्स। हाँ, अभी कुछ दिन देख लो। तो क्या किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन को ही डाइल्यूट कर दिया गया है, क्योंकि पक्का आपको भी पता है, देखो कोई किसी के लिए फोकट में कोई काम करता नहीं है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिगिम। लोगों ने पुराने वाले टैक्स स्ट्रक्चर में, भाई पैसा ही नहीं मिला तो टैक्स किस चीज का, ऐसे आर्गुमेंट कर करके हाईकोर्ट से लेके तो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात को क्या कर दिया था, साबित कर दिया था। एज पर द शेड्यूल वन, कहां बात हो रही है, शेड्यूल वन में। शेड्यूल वन, शेड्यूल टू और शेड्यूल थ्री में कंफ्यूज होने का नहीं, मैं फिर से रिवाइज करवा दूं। शेड्यूल वन क्या बोलता है, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई हुआ है तो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल टू किसकी बात करता है, गुड्स है कि सर्विस है। और शेड्यूल थ्री किसकी बात करता है, गुड्स है तो सर्विस, सर्विस है तो गुड्स। कौन करेगा ये सब पराक्रम, आप नहीं कर सकते, ये ताकत इस लॉ ने सिर्फ किसको दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। एज पर द शेड्यूल वन द फॉलोइंग फोर केसेस, कितनी केसेस की बात हो रही है, चार केसेस की। एक्टिविटीज मेड विदाउट अ कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। तो भाई मैं फिर से आपको बता दूं, कितने केसेस की बात हो रही है, चार। तो ये इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिवली ये चार केसेस दिखेगी और उसमें कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो आपको उसको क्या मानना है, सप्लाई। इन चार के अलावा कोई भी पांचवी चीज अगर समझ में आती है तो कंसिडरेशन नहीं है, मतलब सप्लाई नहीं है। वैसे कुछ होगा ही नहीं इन चार चीजों को छोड़ के, कोई चीज होगी नहीं जहां ट्रांजैक्शन है और क्या नहीं है, कंसिडरेशन। पहला है परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, पैरा वन ऑफ शेड्यूल वन। तो भाई चार बातें कही गई है तो कितने पैराग्राफ दिए जाएंगे आपको, चार पैरा दिए जाएंगे। पहले इसमें दिया है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, सीए फाइनल के दृष्टिकोण से, इंटर के नहीं पर सीए फाइनल के दृष्टिकोण से, ये एक महत्व की क्या बनती है, प्रोविजन बनती है। देखो क्या लिखा है, एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट मेड बाय एन एंटिटी ऑन अ परमानेंट बेसिस इवन दो विदाउट कंसिडरेशन क्वालिफाइज एज अ सप्लाई। However, it is important to note that this provision would apply only if input tax credit had been availed on such kya asset. तो मान के चलो आपका एक कंपनी था, तो जब आपने कंपनी establish की, आप कंपनी ट्रांसफर करते हो मतलब क्या, या तो पार्शल ट्रांसफर होता है जहां कुछ असेट बेचते हो, जिसको कंपनी ट्रांसफर करना या कंपनी बेचना बोलते नहीं है। एक प्लांट बेच दिया, एक मशीन बेच दी, इसको बोला जाता है डिस्पोजल ऑफ क्या, ऐसे। हम यहां पे परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस की, मतलब आपका पूरा बिजनेस ही बिक गया। बिजनेस बिकता कैसा है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर्स कहीं ना कहीं दूसरों को क्या करते हैं, ट्रांसफर। अब देखो बात क्या है कि जो कंसिडरेशन मिला दैट इज नॉट फॉर द सेल ऑफ अ बिजनेस बट फॉर अ ट्रांसफर ऑफ अ शेयर्स, और शेयर्स और सिक्योरिटी क्या नहीं है, ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेस। देखा जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस बिक गया, देखा जाए तो पूरा का पूरा क्या बिक गया, बिजनेस। प्लांट बिका, लैंड बिकी, बिल्डिंग बिकी, मोटर कार बिकी, स्टॉक बिका, एवरीथिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उसके लिए किसी ने कोई कीमत चुकाई नहीं है, उसका तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। कंसिडरेशन मिला किसको, शेयर होल्डर्स को, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सिक्योरिटी के बदले सिक्योरिटी, या तो डिबेंचर्स या तो कैश। भाई अकाउंट में आप लोगों ने मर्जर एक्विजिशन तो पढ़ा है ना, आगे क्या लिखता है, देयरफॉर इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज अ सप्लाई अंडर दिस पैरा फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड, देयर मस्ट बी अ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। आपने क्या ट्रांसफर किए हुए होने चाहिए, बिजनेस असेट। ट्रांसफर या डिस्पोजल मस्ट बी क्या, परमानेंट। आमतौर पर अगर बिजनेस बिकता है तो यह ट्रांसफर या डिस्पोजल परमानेंट ही होता है। ITC मस्ट हैव बीन अवेल्ड ऑन सच बिजनेस एसेट, तो ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, ओ सर इसका मतलब है कि जब हम अकाउंट पढ़ेंगे या फिर हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे और जब हम उसमें
जर्नल एंट्रीज पास करेंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ क्या बिजनेस, करते हो कि नहीं आप? बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोगों ने इंटरमीडिएट और फाइनल में एंट्रीज पास की नहीं की है ना, तो आप बोलोगे सर अब तो उसके साथ साथ एक एंट्री और जुड़ेगी, कौन सी एंट्री? जीएसटी की। हाँ तो यही है ना, जब से जीएसटी आया है काफी सारी जर्नल एंट्रीज चेंज करनी पड़ेगी किताबें लिखने वालों को भी और पढ़ाने वालों को भी। फिर क्या है, एक तो हमारा बिजनेस का क्या होना चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए या ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर या डिस्पोजल कैसे नेचर का होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। और भाई अगर आपने बिजनेस कहीं ना कहीं सेटल किया है तो उस पर कुछ ना कुछ तो आपने क्या लिया होना चाहिए, आईटी से। अब ये कब होगा, अगर बिजनेस में हर वो असेट जो क्या हो रहा है ट्रांसफर, और वो पूरा का पूरा एक्वायर या परचेस किया गया है प्री जीएसटी ईरा में। कब एक्वायर किया गया, प्री जीएसटी ईरा, तो फिर ये हो सकता है कि उस पर किसी भी प्रकार का क्या क्लेम नहीं किया गया है या अवेल नहीं किया गया आईटी से। ये भी हो सकता है कि कुछ एसेट ऐसे जो प्री जीएसटी ईरा के है और कुछ एसेट ऐसे जो पोस्ट जीएसटी ईरा के है, तो कुछ पार्शल एसेट ही ऐसे होंगे जिसपे क्या अवेल किया गया है आईटीसी, और प्री जीएसटी में तो आईटीसी का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वैसे है, अगर प्री जीएसटी के भी गुड्स है और उसका स्टॉक आपके पास है तो आपको ट्रांजिशनल क्रेडिट मिलता है, मैं उसके बारे में आऊंगा और वो कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे, उसके लिए एक स्पेशल चैप्टर भी हमें दिया गया है। पर शांति रखनी पड़ेगी, मैंने बोला ना कि जीएसटी को पढ़ना एक हैरी पॉटर की सीरीज को पढ़ने जैसा है, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पढ़ते चले जाओ आप, हर सस्पेंस का खुलासा एक ही चैप्टर में हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इन अ व्यू ऑफ द लास्ट कंडीशन स्टिपुलेटेड अबव, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ फॉलोइंग असेट विदाउट कंसिडरेशन विल नॉट बी कवर्ड विद इन दिस पैरा, थस विल नॉट डीम टू बी एज अ सप्लाई बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी ब्लॉक्ड नॉट अवेलेबल अंडर क्या जीएसटी। अब आप बोलोगे ये सर नई चीज देखने में आई है कि आईटीसी को क्या किया गया है, या तो डिपार्टमेंट के द्वारा या कानून के द्वारा क्या किया गया है, ब्लॉक, या फिर नहीं था ब्लॉक पर हमने उसको अवेल नहीं किया, हमने लिया ही नहीं। अब सीधी सी बात है, मैंने मशीन खरीदी, वैसे मशीन खरीदी तो मेरी जर्नल एंट्री अंडर जीएसटी क्या होनी चाहिए थी, मशीन अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी इनपुट को डेबिट, एसजीएसटी इनपुट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। इसको बोला जाता है कि मैंने क्या किया, अवेल किया आईटीसी को, मतलब उसका एसेट करके इनपुट टैक्स क्रेडिट को बुक्स में अलग से दिखाया। तो मेरी एंट्री होगी 100 रुपीज, 9 रुपीज, 9 रुपीज और बैंक में जाएगा 118 रुपीज। ये भी तो मैं कर सकता हूं, आई डोंट वांट टू अवेल द आईटीसी, आई पास द एंट्री मशीनरी अकाउंट को डेबिट 118 और बैंक अकाउंट को क्रेडिट 118। तो यहां पर था तो आईटीसी पर मैंने उसको अवेल किया नहीं, अगर अवेल करता तो आने वाले समय में डेप्रिसिएशन कितने रुपए पे लगाता, 100 रुपीज पे, क्योंकि वही मेरी कैपिटलाइज हो रही है कॉस्ट। और अगर नहीं अवेल करूं तो आने वाले समय में मेरा डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा, 118 पे। तो ये अकाउंटिंग एंट्री का थोड़ा सा डिफरेंस है इन केस ऑफ अ फिक्स एसेट। अब यहां पे आगे बात होती है बिजनेस असेट, दो एलिजिबल फॉर आईटीसी, आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। तो एलिजिबल तो है मैं आईटीसी लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ व्हाट, मशीन की बात कर रहा हूं। अब कुछ आईटीसी ऐसी है जो स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड है, जैसे कि हम बोल सकते हैं आईटीसी ऑन परचेस ऑफ अ कार, आईटीसी ऑन अ परचेस ऑफ व्हाट कार, पढ़ेंगे इसके बारे में जब ब्लॉक्ड क्रेडिट है आईटीसी का क्या पढ़ेंगे चैप्टर। और जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सारी की सारी पढ़ाई, सारी की सारी नॉलेज और आपका सारा का सारा दिमाग आपको इसी चैप्टर पे लगाना है, कौन से वाले, आईटीसी। तो भाई ये प्रोविजन कहां अप्लाई नहीं होगी, जहां तो ऑलरेडी आईटीसी क्या है, ब्लॉक्ड ही है, मतलब आप ले ही नहीं सकते, इन एलिजिबल ही है या अवेलेबल ही नहीं है। एग्जांपल दे सकते हैं आप परचेस ऑफ क्या, कार का, मतलब आपने बिजनेस के लिए कार परचेस की और बाद में उस बिजनेस को ही क्या कर रहे हो, आप बेच रहे हो, पर उस बिजनेस को बेचने के बदले बिजनेस को कोई कंसिडरेशन मिला ही नहीं। और दूसरा हो सकता है एसेट जिसपे आईटीसी एलिजिबल तो था पर आपने अवेल किया नहीं, मतलब जर्नल एंट्री पास करते वक्त पूरी की पूरी कॉस्ट को आपने या तो आइदर एक्सपेंस ऑफ किया या तो फिर कैपिटलाइज किया। कहां स्टार लगा है इन लोगों का, दो स्टार लगे हुए हैं, ये क्या कहते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन टर्म्स ऑफ अ बिजनेस असेट हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर जीएसटी लॉ। अभी बिजनेस असेट, बिजनेस को डिफाइन किया गया है जीएसटी में, किसको डिफाइन नहीं किया गया, बिजनेस असेट को,
फिर यहां पे एक एग्जांपल दिया है, ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस विल क्वालिफाई एज अ सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय ध्रुव ऑन सच क्या लैपटॉप। तो ध्रुव ने जब लैपटॉप खरीदा था अपने बिजनेस के लिए तो एंट्री क्या पास की होगी, लैपटॉप अकाउंट को डेबिट, कितना मान के चलो 100, सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट को डेबिट मान के चलो 9 and 9 कितना 18, टू बैंक कितना 118। और बाद में ये जो एसेट क्रिएट किया बाय वे ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका उपयोग कहीं ना कहीं उसने अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए किया होगा। अगर केस ऐसी है और उसके बाद ये सेकंड हैंड लैपटॉप ध्रुव क्या करता है, बेचता है, तो उसके वक्त भी उसको क्या एंट्री पास करनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट, उसको पैसे लेंगे ना वो बेचेगा तो, टू क्या लैपटॉप, टू क्या सीजीएसटी आउटपुट, टू एसजीएसटी आउटपुट अगर स्टेट के स्टेट में बेचा है तो, या तो फिर आईजीएसटी आउटपुट अगर आउट ऑफ स्टेट सप्लाई किया है तो। मतलब आप गुड्स बेचो या क्या बेचो, सर्विस बेचो। अब यहां बात हो रही है विदाउट कंसिडरेशन की। अब उसने दे तो दिया कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टिल इट विल बी डीम्ड एज अ सप्लाई। अगर सप्लाई है तो उसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी, उसके लिए भी फिर कानून आपको रास्ते बताएगा। ए डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने आपके बिजनेस एसेट को, जैसे कि आपके मोटर व्हीकल को, कैसे ट्रांसफर कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। आईटीसी ऑन सेल्ड मोटर व्हीकल इज क्या ब्लॉक। मैंने बताया था कि मोटर व्हीकल पे आईटीसी स्पेसिफिकली क्या किया गया है, ब्लॉक किया गया। द ट्रांजेक्शन विल नॉट कंस्टिट्यूट ए सप्लाई एज द कंडीशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बिजनेस एसेट ट्रांसफर इज नॉट क्या फुलफिल। भाई सप्लाई होने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि जब आपने क्या खरीदी थी, वो मोटर व्हीकल खरीदा था, तो उस पर आपको क्या नहीं मिला था, आईटीसी ही मिला नहीं था, या अवेल तो किया ही नहीं था, क्योंकि वो स्पेसिफिकली क्या किया गया है, ब्लॉक। फिर आते प्री कंडीशन पे, कंफ्यूज नहीं होने का। प्री कंडीशन क्या है कि कंसिडरेशन नहीं भी है, कंसिडरेशन नहीं भी है, फिर भी क्या माना जाएगा सप्लाई। उसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला तो होना चाहिए डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ क्या बिजनेस एसेट। बिजनेस के ट्रांसफर की बात नहीं हो रही है यहाँ, बिजनेस के एसेट के ट्रांसफर की बात हो रही है। तो आप बिजनेस के क्या ट्रांसफर कर रहे हो, एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, उसमें क्या नहीं है, कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर कैसा होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, और उस पर आपने पहले कभी ना कभी क्या अवेल किया होना चाहिए, आईटीसी। अब मेरा सवाल है, देखो कहाँ कंफ्यूजन होगा। पहला लैपटॉप वाला, लैपटॉप इसने ट्रांसफर किया पर बदले में क्या नहीं है कोई कंसिडरेशन, पर जब लैपटॉप को खरीदा था तो उस पर उसने क्या अवेल किया था, आईटीसी। तो यहाँ कंसिडरेशन नहीं भी है, फिर भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ही माना जाएगा। मोटर व्हीकल भी था एक डीलर के पास, उस डीलर ने मोटर व्हीकल को फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को क्या कर दिया, ट्रांसफर, इसको सप्लाई क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें इस पर आईटीसी लिया नहीं था। अब कंफ्यूजन कहाँ आएगा, एक डीलर ने आईटीसी नहीं लिया था मोटर व्हीकल पे, बाद में उसे ट्रांसफर किया पर कंसिडरेशन था, तो क्या उसको सप्लाई माना जाएगा क्या, हाँ कंसिडरेशन है तो डेफिनेटली क्या है, सप्लाई है। बात यहां किस चीज की हो रही है, कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी क्या मानना पड़ेगा, सप्लाई। तो कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो सप्लाई है अगर आपने क्या अवेल किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया है तो क्या नहीं माना जाएगा, सप्लाई। तो भैया इसको लगेगा आपका स्टार, और नीचे दिया है कुछ तो भी फुट नोट, द लिस्ट ऑफ गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आईटीसी इज ब्लॉक हैज बीन एलोबरेटेड इन चैप्टर नंबर क्या है 8। तो वहां जाएंगे तो पढ़ेंगे, अभी के लिए एक मोटा मोटी एग्जाम्पल क्या है, मोटर व्हीकल जिसपे आपके आईटीसी को क्या किया गया है, ब्लॉक। तो कहां बात हो रही है यहाँ की, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस का क्या एसेट, और जहां क्या नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। तो सप्लाई कब माना जाएगा, जब आईटीसी अवेल किया है तो, और आईटीसी ही नहीं अवेल किया तो सप्लाई भी नहीं है। अब मान के चलो जिसका आपने आईटीसी अवेल नहीं किया, उस केस में सारा का सारा जो टैक्स है वो आप ही के जेब से गया एज अ कंज्यूमर, तो गवर्नमेंट को तो उसके कंजम्पशन पे क्या मिल चुका है, टैक्स मिल चुका है। और अगर आप उस पर आईटीसी अवेल करते हो, इसका मतलब है कि आपने उसका बर्डन किसी और पे क्या किया, पास ऑन किया।
अब हमारी कितनी बात हो रही थी, ऐसे कितनी केसेस है जहां कंसिडरेशन ना भी होगा तो भी उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई। पहला केस क्या है, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। अब दूसरी बात आती है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन। अब भाई सबसे क्रिटिकल चीजें क्या होती है, मैक्सिमम टैक्स का इवेजन कहां करते हैं लोग पता है, बिटवीन रिलेटेड पर्सन। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 विल क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड इट इज मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ क्या, बिजनेस। लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। पहले तो ये दो पर्सन के बारे में समझते हैं, कौन है रिलेटेड पर्सन। ए पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनादर पर्सन इज कॉल्ड एज अ रिलेटेड पर्सन। वर्ड बड़ा जबरदस्त है, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में है उसका उस पे क्या है, इन्फ्लुएंस है। अब कौन किस पे इन्फ्लुएंस रख सकता है, मालिक नौकर पे इन्फ्लुएंस रख सकता है, और टीचर स्टूडेंट पे इन्फ्लुएंस रख सकता है। तुम लोग मानते क्या मेरी बात है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है मेरा तुम लोगों पे। चलो ध्यान से देखते हैं, रिलेटेड पर्सन, अ पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर अनदर पर्सन इज कॉल्ड एज अ रिलेटेड पर्सन। तो जो इन्फ्लुएंस डालता है या जो अंडर इन्फ्लुएंस रहता है वो रिलेटेड पर्सन है, जिस पर इन्फ्लुएंस रहता है वो कौन है, रिलेटेड पर्सन। लाइक मेंबर्स ऑफ अ सेम फैमिली, एक फैमिली का एक बड़ा मेंबर दूसरे मेंबर पे अपना क्या रखता है, इन्फ्लुएंस रखता है। बाप का बिजनेस अलग है, बेटे का बिजनेस अलग है, और अगर कर्ता धरता सब कुछ कौन है, बाप है, तो बेटे के बिजनेस पे तो उसका क्या रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा। सी द डेफिनेशन ऑफ फैमिली अंडर द रिलेवेंट डेफिनेशन। फैमिली की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, अगर डिपेंडेंट है पहले तो आपका पक्का फैमिली में कौन आता है, स्पाउस और बच्चे, मतलब बीवी और हस्बैंड वाइफ और बच्चे, बाकी लोग भी आते हैं, पर अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तो अगर डिपेंडेंट है तो आपका क्या रहेगा उनपे, इन्फ्लुएंस तो रहेगा, और बीवी बच्चों पे तो रहता ही है। अब ये मिथ है कि हस्बैंड का वाइफ पे क्या रहता है, इन्फ्लुएंस, हालांकि इसकी सच्चाई कानून जाने या ना जाने, तो कहानी घर घर की है, आगे देखते हैं। और अ सब्सिडरीज ऑफ अ ग्रुप कंपनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी, एक होती है होल्डिंग कंपनी, एक होती है क्या, सब्सिडरी कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी तो पापा है ना, वही तो सब्सिडरी के मैक्सिमम शेयर है, 51% ऑफ शेयर क्या करता है, होल्ड करता है। तो भाई होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी पे इन्फ्लुएंस रहेगा कि नहीं होगा, रहेगा। तो सब्सिडरी कंपनी को क्या माना जाएगा, यहाँ पे रिलेटेड पर्सन माना जाएगा अंडर जीएसटी लॉ। वेरियस कैटेगरी ऑफ रिलेटेड पर्सन हैव बीन स्पेसिफाइड। अब यहां से खिचड़ी बनना स्टार्ट होता है, रायता फैलता जाएगा किसका, जीएसटी का, क्योंकि इन लोगों ने इतना कुछ घुसा दिया है इसमें। अब पहले 3-4 एक्ट थे, अब सबको एक करके एक बनाया, तो चारों की जो विविधताएं है उसको तो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ही, और साथ ही साथ लोगों ने भी सरकार को कम नहीं सताया, कई तरीके से रास्ते निकाल निकाल के चूना लगाया है किसको, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। अंडर जीएसटी लॉ वेरियस कैटेगरी ऑफ रिलेटेड पर्सन हैव बीन स्पेसिफाइड, द टर्म रिलेटेड पर्सन हैज बीन डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। तो कहां बात होती है रिलेटेड पर्सन की, सेक्शन 15 में, द सेड डेफिनेशन हैज बीन डिपिक्टेड बाय ऑफ डायग्राम फॉलो। पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन आर डीम्ड टू एज रिलेटेड पर्सन अगर सच पर्सन आर ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स ऑफ वन अनादर्स बिजनेस। एक बिजनेस में मैं डायरेक्टर हूं, मैं दूसरे बिजनेस में भी क्या हूं, डायरेक्टर हूं, मिस्टर एक्स है, ये ए लिमिटेड में भी डायरेक्टर है और ये बी लिमिटेड में भी क्या है, डायरेक्टर, तो उसका इंफ्लुएंस तो दोनों बिजनेस पे रहेगा। तो ए और बी एक दूसरे के लिए कौन सी पार्टीज हो गई या कैसे पर्सन हो गए, रिलेटेड पर्सन, अगर उनके अंदर कोई ना कोई कॉमन ऑफिसर या कॉमन डायरेक्टर है। दूसरा, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर। तो भैया पार्टनर, एक ही फर्म में दो पार्टनर, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब मिस्टर ए यहाँ पार्टनर है, मिस्टर बी भी यहाँ ही पार्टनर है, मिस्टर ए किसी और फर्म में भी क्या है, पार्टनर है, मिस्टर बी किसी और फर्म में भी क्या है, पार्टनर है। तो ये पार्टनर पार्टनर मेक्स बोथ द फर्म्स व्हाट, रिलेटेड पर्सन, और ऑल द थ्री फर्म्स व्हाट, रिलेटेड पर्सन। एक एक्स फर्म है जिसमें मिस्टर ए और बी है,
एक वाई फर्म है जिसमें सिर्फ मिस्टर ए है और एक जेड फर्म है जिसमें सिर्फ मिस्टर बी है, क्रॉस कनेक्शन तो है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की ताकत है, तो ये लोग कैसे माने जाएंगे रिलेटेड पर्सन? सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर एक पार्टी में भी मैं एम्प्लॉयर हूँ, दूसरे कंपनी में भी मैं ही क्या माना जाता हूँ? एम्प्लॉयर। या तो मैं इसी कंपनी में मैं एम्प्लॉयर हूँ और दूसरा व्यक्ति कौन है? एम्प्लॉय। तो मान के चलो मैं एक बिजनेस का ओनर हूँ, मेरे पास मिस्टर डी काम करते हैं, वो मेरा एम्प्लॉयर है, और मिस्टर डी का अपना भी एक बिजनेस है, वो मेरे पास नौकरी भी कर रहा है और उसका अपना एक क्या है, बिजनेस भी, और मैं उसके साथ कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो क्या माना जाएगा? रिलेटेड पर्सन। अब ये सारा जो फ्रॉड किया जाता है ना, जहाँ टैक्स बचाने के लिए ये साबित किया जाता है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या नहीं है, कंसिडरेशन ही नहीं है, ये जनरली ऐसे सब ट्रांजेक्शन किसके बलबूते पे होते हैं? इन्फ्लुएंस के बलबूते पे, जहां पे पार्टियां एक दूसरे से क्या होती है, रिलेटेड होती है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके लिए ऐसे फोकट के ट्रांजेक्शन में आपकी हेल्प करेगा नहीं। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, ओन्स, होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25% ऑफ अ वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम। भैया कोई थर्ड पर्सन जो किसी भी दो कंपनियों में कितने परसेंट से ज्यादा अपनी होल्डिंग रखता है? 25। तो मिस्टर एक वॉरेन बफेट है, और वॉरेन बफेट का एक्स लिमिटेड में भी 25% से ज्यादा शेयर है, वॉरेन बफेट का वाई लिमिटेड में भी 25% से ज्यादा क्या है, शेयर है, और इस तरीके की कॉमन शेयर होल्डिंग एक्स और वाई को आपस में क्या बनाता है? रिलेटेड पर्सन। और मिस्टर वॉरेन बफेट और एक्स लिमिटेड भी आपस में क्या है? रिलेटेड पर्सन। वॉरेन बफेट और मिस्टर वाई लिमिटेड भी आपस में क्या है? रिलेटेड पर्सन। वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली द अदर। कोई भी एक व्यक्ति अगर डायरेक्टली या अनडायरेक्टली दूसरे व्यक्ति को या बिजनेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ए थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। जैसे मिस्टर वॉरेन बफेट का ये थर्ड पर्सन है, ये एक्स को भी कंट्रोल कर सकता है, ये वाई को भी कंट्रोल। सच पर्सन टूगेदर कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या? थर्ड पर्सन। ये उल्टा भी तो हो सकता है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों ही मिलके किसको कंट्रोल करते हैं? वॉरेन बफेट लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं। मतलब वॉरेन बफेट लिमिटेड में 50% शेयर होल्डिंग एक्स लिमिटेड की और 50% शेयर होल्डिंग वाई लिमिटेड की है, दोनों ने मिलके एक कंपनी बनाई डब्ल्यू लिमिटेड। तो ये सब एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन। सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ अ सेम फैमिली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वो सेम फैमिली के क्या है, मेंबर, फिर इसके लिए क्या देखना पड़ेगा? फैमिली। और फिर फैमिली में आएगी सिस्टर का हस्बैंड, मतलब कौन? हमारा जवाई। इस पे बढ़िया सी आपकी एक केस स्टडी बनती है, हस्बैंड ऑफ अ सिस्टर। क्या सिस्टर का हस्बैंड फैमिली की डेफिनेशन में आया था क्या? सिस्टर का हस्बैंड मतलब अपना जमाई राजा, फूफा जी, बुआ के हस्बैंड, क्या इनको हमने फैमिली की डेफिनेशन में लिया था क्या? नहीं लिया था। तो फिर वो ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर देख देख के तो लगता है फूफा तो उठते बैठते मिलते रहते हैं, फिर क्यों ना इसको क्या मान लिया जाए? रिलेटेड पर्सन। ऐसा भी नहीं है, पढ़ेंगे जब केस स्टडीज पढ़ेंगे तो, इसलिए फिर कानून को और क्लॉज को ध्यान से समझना जरूरी है। वन ऑफ देम इज अ सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनरी ऑफ द अदर। बिजनेस तो एक्स लिमिटेड है, और इसका सारा सारा माल जो बेचता है वो मिस्टर बी बेचता है। अब मिस्टर बी का कितना प्रभाव होगा एक्स लिमिटेड पे, क्योंकि उसका कर्ता धर्ता पालन हर्ता विघ्न हर्ता ही कौन है? मिस्टर बी है। मिस्टर बी ही वो व्यक्ति है जो उसका सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या सोल कंसेशनरी है, जो उसकी चीजों को बेच सकता है। तो अगर मिस्टर बी जब तक काम कर रहा है तभी तक एक्स लिमिटेड का अस्तित्व है, उसने माल बेचना बंद कर दिया तो क्या खत्म? एक्स लिमिटेड खत्म। तो इन्फ्लुएंस है कि नहीं है? अब देखते हैं। मिस प्रिया होल्ड करती है 30% ऑफ शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड 35% ऑफ शेयर्स ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड एंड एक्सवाईजेड लिमिटेड आर क्या हो जाएंगे? रिलेटेड। क्राइटेरिया कितने परसेंट होल्डिंग का है? नहीं, फिर गड़बड़ मत करो। इज दिस ए ग्रेटर देन 25% और इट इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 25%? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25%। एग्जैक्टली 25% है तो भी इन्फ्लुएंस है ऐसा माना जाएगा, तो उससे ज्यादा है तो भी माना जाएगा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जैक्टली कितने परसेंट का आएगा?
25, और उसका कंटेंट जो रहेगा या फिर उसका जो एक बात रहेगी ऐसे सी कि वो बोलेगा कि क्लॉज कहता है मोर देन 25%, और मेरा तो एग्जैक्टली कितना परसेंट है, 25%, और इस पे आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा कि क्या आप इस प्रोविजन को सही से समझते हो या नहीं। ऐसा लिखते वक्त कौन सा सेक्शन कोट करना चाहिए, सेक्शन नंबर 15। क्यू लिमिटेड हैज ए डिसाइडिंग रोल इन अ कॉर्पोरेट पॉलिसी ऑपरेशन या मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आर लिमिटेड। इट कैन बी सेड दैट क्यू लिमिटेड कंट्रोल्स आर लिमिटेड, थस क्यू लिमिटेड एंड आर लिमिटेड आर क्या रिलेटेड। अब देखो वर्ड हुआ है कंट्रोल करना, डायरेक्टली या क्या इनडायरेक्ट। अगर आपका होल्डिंग है उस कंपनी में, शेयर ही है आपके पास, तो आपका कंट्रोल कैसे हो गया, डायरेक्ट। पर आपके पास उसके शेयर नहीं है, पर उसकी जो भी पॉलिसियां बनती है, जो भी मैनेजमेंट ऑपरेशन होते हैं, उसका जो भी क्वालिटी कंट्रोल है, उस पर आपका बहुत बड़ा प्रभाव है, तो ये तो इनडायरेक्ट क्या हो गया, कंट्रोल। ऐसे केस में भी क्यू लिमिटेड और आर लिमिटेड क्या कहलाएंगे, रिलेटेड कहलाएंगे। तो ये बात हो रही थी रिलेटेड पर्सन की। अब क्या मतलब होता है डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन की बात होती है सेक्शन 15 में, डिस्टिंक्ट पर्सन की बात की जाती है सेक्शन नंबर 25। बिफोर वी गो थ्रू द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन, लेट अस फर्स्ट हैव एन ओवरव्यू ऑफ अ रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन प्रोविजन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। डिटेल एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ रजिस्ट्रेशन इज गिवन इन व्हाट, चैप्टर नंबर 9। हाँ, फिर वो इंटर के हिसाब से अलग चैप्टर होगा और फाइनल के हिसाब से अलग चैप्टर होगा। अंडर जीएसटी लॉ ए सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। देखो रजिस्ट्रेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है, वो है कैसा रजिस्ट्रेशन, स्टेट वाइज। तो इसका यह भी मतलब होता है कि अगर आपका बिजनेस का ऑपरेशन एक स्टेट से ज्यादा स्टेट से ऑपरेट होता है, तो आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्या लेने होंगे, रजिस्ट्रेशन लेने होंगे। ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइडेड हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड अ स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, आप मान सकते हो। Thus, he is not required to obtain a registration from state or union territory from where he makes a non-taxable supply. अब सुनो ना, supply की बात अलग है। मैंने पहले ही बोला था, हर supply पे tax लगेगा ये जरूरी नहीं है। कुछ कुछ supply taxable होते हैं, तो कुछ supply क्या होते हैं, non-taxable। वैसे उसकी बात होगी chapter number 3 में, जहाँ levy करना है हमें क्या tax। तो भाई ये पूरा paragraph क्या समझाता है, ये पूरा paragraph एक चीज को समझाता है रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो ये कहता है कि आपको हर स्टेट में क्या लेना है, रजिस्ट्रेशन। अगर आप का जो टैक्सेबल टोटल टर्नओवर है वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर है, और रजिस्ट्रेशन तभी लेना है जब आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। आपका 100% सप्लाई कैसा है, नॉन टैक्सेबल, तो आप बिना रजिस्ट्रेशन लिए भी अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो। फिर आगे बात आती है, सिंस रजिस्ट्रेशन इज जीएसटी पैन बेस्ड, पैन बेस्ड मतलब क्या है, इसका जो जीएसटी नंबर आता है वो होता है आपका पैन कार्ड नंबर। हर स्टेट के क्या दिए हुए हैं, कोड्स दिए हुए, जैसे महाराष्ट्र का कोड कितना है, 27 के बाद आपका पैन कार्ड का नंबर आएगा और 3 यूनिक डिजिट एंड में आएंगे, और इस तरह से आपका एक स्टेट का क्या बनता है, जीएसटी नंबर। अब अगर आपने दूसरे स्टेट में दिया जिसका कोड शुरू होता है 20 से, तो 20 के बाद आपका सेम पैन ही आएगा और आखिरी के 3 यूनिक कोड कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। सिंस द रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इज परमानेंट अकाउंट नंबर बेसिस्ड या बेस्ड, वंस अ सप्लायर इज लाइबल टू रजिस्टर ही हैज टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट या यूनियन टेरिटरी इन विच ही ऑपरेट्स एंड मेक अ टैक्सेबल सप्लाई अंडर द सेम पैन। फर्दर He is normally required to obtain a single registration in state or union territory. However, where he has multiple places of business in state or union territory, he has the option either to get a single registration for said state or to get a separate registration for each place of business in such state or union territory. क्या पढ़ा हमने? एक state में आपके पास choice है कि आप एक state में एक ही registration रख सकते हो। वैसे तो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर क्योंकि हमें समझना है मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन का, मतलब समझना है किसका, डिस्टिंक्ट पर्सन का, इसलिए हम थोड़ा रजिस्ट्रेशन के बारे में सीख रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बेसिकली क्या चीजें सीखी,
एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अगर आपका थ्रेशोल्ड टर्नओवर कितना है, स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है। दूसरा, आप अलग अलग स्टेट में अगर बिजनेस करते हो तो आपका अलग अलग स्टेट में अलग नंबर होना चाहिए, पर ये पैन बेस रहेगा, उसमें पैन आपका कैसा रहेगा, कॉमन रहेगा, चाहे वो आप इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो। फर्दर, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से नॉन टैक्सेबल सप्लाई ही करते हो एक्सक्लूसिवली, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है। और तो और, अगर आप एक स्टेट में अलग अलग जगहों से काम करते हो तो आपके पास चॉइस है कि आप पूरे स्टेट के लिए एक ही नंबर रखें या अलग अलग जगहों के लिए अपने अलग अलग नंबर आप ले सकते हो, इस पे आपको रोक टोक नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन सिंपल टर्म्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कैन बी अंडरस्टूड एज क्या, फॉलो। अब बात आती है डिस्टिंक्ट पर्सन को समझने में। मैं तो मानता हूं कि जिस हिसाब से जीएसटी का लॉ आया है उस हिसाब से ICAI ने इस मटेरियल को फ्रेम करने में काफी मेहनत की है, और बहुत सोच के जो भी एक्सपर्ट्स थे उनके इनडायरेक्ट कमिटी के और बोर्ड ऑफ स्टडीज के, बहुत ही अच्छे रिसर्च के बाद एक बहुत अच्छा मटेरियल उन्होंने क्या किया है, ड्राफ्ट किया है। इसलिए मैं आज भी मानता हूं कि आपको ICAI की स्टडी मटेरियल के अलावा बेहतर तरीके से जीएसटी को समझने के लिए और किसी भी चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं है। इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन विथ अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन विथ सेपरेट रजिस्ट्रेशन वेदर विद इन द सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट। अब ये इसका मतलब क्या है कि ये मतलब साफ है कि आपका एक ही व्यक्ति हो, आप एक ही कंपनी हो, एक ही इंडिविजुअल हो, एक ही पार्टनरशिप फर्म हो, एक ही HEF हो, आपके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। एक ही स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है, अलग अलग स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है। आर कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब अगर आपका जीएसटी नंबर अलग है तो आप पर्सन भी अलग हो। वेदर ए पर्सन हैविंग वन रजिस्टर एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट हैज अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट नॉट नेसेसरीली रजिस्टर्ड, these establishment are considered as establishment of distinct person। तो भाई लीगल कानून आपको दो अलग अलग व्यक्ति मानता है अगर आपके पास अलग अलग जीएसटी नंबर है, भले ही पैन क्या है सब में कॉमन है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिस्टिंक्ट पर्सन आर कंटेंट इन सबसेक्शन 4 एंड 5 ऑफ सेक्शन 25। ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन is required to obtain more than one registration, whether in one state or more than one state, shall in respect of each such registration be treated as क्या, distinct person। और ये language use की गई है section 25 के subsection 4 में। Mohan, a chartered accountant, has a registered office in Delhi. He also obtained registration in the state of क्या, West Bengal। हो सकता है कोलकाता में भी उसका अपना क्या हो, office हो। In respect of his newly opened branch office, Mohan shall be treated as a distinct person in respect of a registration in West Bengal and क्या, Delhi। बात किसकी हो रही है, बात कौन से शेड्यूल की हो रही है, मेन लॉ को और मेन क्लॉज को नहीं बोलने का, कौन सा शेड्यूल पढ़ रहे हम, शेड्यूल वन। किसका शेड्यूल वन और किसके साथ पढ़ रहे, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की सी। क्लॉज कौन सा पढ़ रहे, सी, और उसके साथ पढ़ रहे क्या, शेड्यूल वन। ये सब मिला के किसकी बात करता है, इट विल बी डीम्ड एज अ सप्लाई इवन इफ देयर इज व्हाट नॉट कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी हम क्या मानेंगे, सप्लाई। ऐसे कितनी केसेस की बात की गई है, 4। उसमें से पहली केस क्या थी, ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट, जिस पर आपने क्या अवेल किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और बाद में उसको क्या कर दिया आपने, सेल कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, फिर भी उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई। उसके दो एग्जांपल पड़े थे, एक बार जब लैपटॉप को ट्रांसफर किया था फ्री ऑफ कॉस्ट पर उस पर ITC अवेल किया था तो वो कहलाएगा क्या, सप्लाई। एक बार व्हीकल को ट्रांसफर किया था विदाउट कंसिडरेशन पर क्योंकि उस पर ITC अवेल किया ही नहीं था, वो स्पेसिफिकली क्या किया था, ब्लॉक क्रेडिट था, तो उसको क्या नहीं माना जाएगा, सप्लाई। अब बात हो रही है दूसरा पैरा की, किसके दूसरे पैरा की, शेड्यूल वन के दूसरे पैरा की।
जो बात करता है ट्रांजैक्शन और सप्लाई बिटवीन व्हाट रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। हम रिलेटेड पर्सन को तो सोच समझ के पढ़ चुके हैं कि किस व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है। रिलेटेड पर्सन वो व्यक्ति जो दूसरे पे अपना क्या रखता है, इंफ्लुएंस रखता है। तो जो पार्टी अंदर इंफ्लुएंस है वो उसकी क्या बन गई, रिलेटेड पर्सन बन गई। अब बात हो रही है किसकी, डिस्टिंक्ट पर्सन की। तो कौन डिस्टिंक्ट पर्सन है, एक ही पर्सन के अगर एक ही स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, या एक ही व्यक्ति के अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो ये सब लोग एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। ऐसी बात कौन सा सेक्शन में होती है, 25, कौन से सब सेक्शन में, 4 में। रिलेटेड पर्सन की बात कहां होती है, सेक्शन 15 में। अब सेक्शन याद रखना ना रखना ये आपकी बात, आप पे डिपेंड करता है। तो यहां डायग्राम दिया है, रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है दिल्ली में, रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस है वेस्ट बंगाल में। तो ये दोनों ही पर्सन जीएसटी की नजर में कैसे पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अब मतलब चाहे आप रिलेटेड पर्सन हो, चाहे आप क्या हो, डिस्टिंक्ट पर्सन हो, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब गुड्स या सर्विस का क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। पर उसमें क्या मौजूद नहीं है, कंसिडरेशन। ये हो सकता है क्या, हाँ, आपके लिए हो सकता है पर जीएसटी के लिए नहीं है। जीएसटी बोलेगी हमें नो उल्लू बनावी, हमको इस पे क्या लगिंग, जीएसटी मांगता है हमको। कहीं ना कहीं थोड़ा हार्डशिप भी हो जाता है टैक्स पेयर, सच में जेन्युइनली बिना कंसिडरेशन के क्या होता है, ट्रांसफर। बट हुआ क्या है, ये जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मेरा एक रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है, मेरा ही एक रजिस्ट्रेशन कोलकाता में है। अब मैंने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लिया तो जो आईटीसी लिया था उसका उपयोग मैं कहाँ की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए करूंगा, दिल्ली की लायबिलिटी के लिए ऑफकोर्स। अब वो ट्रांसफर होके कहाँ जा रहा है, कोलकाता में जा रहा है, हालांकि वहाँ कंसिडरेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो मेरा जो ये है आईटीसी है वो तो पूरा यूटिलाइज नहीं हो, क्योंकि एसेट अभी भी यही था और अब मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो जो आईटीसी लिया है वो तो कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा, इसलिए उसको सप्लाई मान के उस पर क्या लगाया जाता है, जीएसटी लगाया। तो लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल तलवार लेके खड़ी है कि आप कुछ भी करो हम आपको क्या करेंगे, काट छाट के जीएसटी लगा के खत्म ही कर देंगे, ऐसा नहीं है। लॉजिकली रैशनल माइंड से सोचो तो आपको अनड्यू बेनिफिट किसी चीज का मिलना नहीं चाहिए और लॉजिकली भी मिलना नहीं चाहिए, इसीलिए ये सब प्रोविजन की गई है। फर्दर, वेयर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट हैज एन एस्टैब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, देन सच एस्टैब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। ओए, डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन में थोड़ा सा फर्क है। डिस्टिंक्ट पर्सन की बात होती है सेक्शन 25 के सबसेक्शन 4 में, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन की बात होती है सेक्शन 25 के सबसेक्शन 5। पर्सन अलग है, उसकी एस्टैब्लिशमेंट अलग है, पर है तो दोनों कैसे, डिस्टिंक्ट पर्सन। फर्दर, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट स्टिपुलेट दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेम एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड एज अ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन वेयर द पर्सन हैज एन एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड क्या, इंडिया। अब जैसे आउटसाइड ऑफ इंडिया की जो एस्टैब्लिशमेंट की बात होती है ना, इसकी बात ना तो सीजीएसटी में होती है ना तो एसजीएसटी में होती है, इसकी बात ही होती है कौन से एक्ट में, आईजीएसटी एक्ट में। तो वैसे तो देखा जाए तो सेम है सब कुछ, जैसा सीजीएसटी है वैसा ही क्या है एसजीएसटी और वैसा ही क्या है आईजीएसटी है। पर अगर आप एक पर्सन हो जिसका एक एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड कहाँ है, इंडिया भी है, तो इसके लिए कुछ खास प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ कौन से एक्ट में डाली गई है, आईजीएसटी एक्ट में। अब ये भी एक पढ़ने लायक अलग चीज है, पर हम उसी पे फोकस करेंगे जो सीए ने आपके सिलेबस, आईसीएआई ने आपके सिलेबस में क्या किया है, इंक्लूड किया है। ओके, अब बात आती है सेक्शन 8 की, पर ये सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 8 नहीं है, ये किसका सेक्शन 8 है, आईजीएसटी, जो ये बोलता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेम एंटिटी शैल बी कंसीडर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आपका एक एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है और एक एस्टैब्लिशमेंट कहां है, आउटसाइड इंडिया,
एंड एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड द स्टेट और क्या यूनियन टेरिटरी एंड एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट विद इन द स्टेट और यूनियन. तो लगभग सब कुछ सेम है पॉइंट नंबर वन को छोड़ दिया जाए तो. सीजीएसटी का जो सेक्शन 25 बोलता है 4 और 5 वही बात की गई है सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में. अब एक एग्जांपल दिया है जीएसटी को केस के माध्यम से समझो तो थोड़ी आसानी जाती है क्लैरिटी ज्यादा आती है. क्या लिखा है ऋषभ एंटरप्राइज इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ओन एन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन विरार महाराष्ट्र. इट हैज ओपन ए लिकर शॉप इन रायपुर उत्तराखंड. रायपुर उत्तराखंड में आता है झारखंड में आता है रायपुर सॉरी छत्तीसगढ़ में आता है. रायपुर तो वैसे कहाँ आता है छत्तीसगढ़ रायपुर एंड उत्तराखंड लिख लेते हैं. फॉर अ ट्रेडिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अब जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे हैं आपको अल्कोहलिक लिकर फॉर क्या वर्ड यूज किया ह्यूमन कंजम्पशन. अब ये तो क्या नहीं है जीएसटी में गुड्स है कि नहीं गुड्स नहीं है ऐसा मत बोलो. गुड्स दो ही चीजें नहीं है क्या सिक्योरिटी और मनी. जीएसटी में फिर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को क्या नहीं माना गया है टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना गया. आर यू श्योर कि अपने मन से बोल रहे हो पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कहां बात हुई थी बोलो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की. इंसिडेंस जब जहां क्या लगता है टैक्स लगता है ना वहां पे टैक्सेबल गुड्स और किसकी बात हुई थी नॉन टैक्सेबल की नॉन जीएसटी की. तो स्पेसिफिकली लिखा गया कि जीएसटी हर चीज पे लगाया जा सकता है. जीएसटी क्या है हर चीज पे लगाया जा सकता है सिर्फ किस पे नहीं लगाया जाएगा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अभी फिलहाल पेट्रोल डीजल ETF इस पे भी नहीं लगाया जाता पर उस पे लगाना है तो सिंपली जीएसटी काउंसिल को रिकमेंडेशन देना है और गवर्नमेंट को इसके लिए क्या लाना है सर्कुलर इशू करना है. पर इतना आसानी से अल्कोहलिक लिकर पे क्या नहीं लगेगा जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि लॉ में इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात जब कर रहे थे चैप्टर 1 में तभी पढ़ा था. वापस आते हैं अब यहाँ पे ऋषभ है कहाँ का मुंबई महाराष्ट्र के विरार में क्या रन करता है अपना एयर कंडीशन रेस्टोरेंट. उसने रायपुर में एक लिकर शॉप खोली फॉर ट्रेडिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सिंस सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई. अल्कोहलिक लिकर को क्या माना गया है नॉन टैक्सेबल सप्लाई. ऋषभ एंटरप्राइज इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द सेम इन उत्तराखंड. इन दिस केस एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र एंड लिकर शॉप इन उत्तराखंड दो अनरजिस्टर्ड शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या डिस्टिंक्ट पर्सन. और ये देखो ऊपर एक वर्ड आया था वेदर रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड. सप्लाई बाय महाराष्ट्र ऑफिस टू उत्तराखंड ऑफिस इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इवन विदाउट कंसिडरेशन विल बी क्वालिफाइड एज क्या सप्लाई. तो फिर बिना कंसिडरेशन के कौन से सप्लाई को सप्लाई माना जाता है जहां सप्लाई हो बिटवीन रिलेटेड पर्सन और जहां सप्लाई हो बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन. वेयर सप्लाई इज मेड विदिन बिटवीन द रिलेटेड पर्सन अंडर सेक्शन 15 वेयर सप्लाई इज मेड बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 whether the supply has been made between the establishment of a distinct person under section 25 subsection 5. याद रहना चाहिए यहाँ पे गुनगुना के कुछ नहीं होगा ये दिमाग में रहना चाहिए और इसको कोट करते आना चाहिए. और कोट नहीं करते आ रहा एग्जैक्ट सेक्शन सबसेक्शन याद नहीं है तो गलत सेक्शन कोट करने का नहीं. हाँ स्टॉक ट्रांसफर और अ ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाई एज क्या सप्लाई. In view of aforesaid discussion, a transaction between different location with separate GST registration of same legal entity, example stock का transfer हुआ है और branch transfer हुआ है, will qualify as a supply under GST as these are the transaction between क्या distinct person. फिर महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही
एक व्यक्ति का एक रजिस्ट्रेशन है पुणे में, एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन है मुंबई में, पुणे से कुछ सरप्लस स्टॉक को ट्रांसफर किया गया विदाउट कंसिडरेशन कहां पे, मुंबई में, तो इसको भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है अगर आप अकाउंटिंग आपकी प्रॉपर रखते हो, और आपने अगर इसको सप्लाई नहीं माना तो आपको पता चलेगा कि पुणे की ब्रांच से जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ है विदाउट एनी कंसिडरेशन टू कहां की ब्रांच, मुंबई की ब्रांच, इसमें कहीं ना कहीं दो फर्म में अकाउंटिंग में दिक्कत आएगी। देखो आपने स्टॉक खरीदा था पुणे के ब्रांच में, तो आईटीसी भी अवेल किया कहां के ब्रांच में, पुणे के ब्रांच में, तो आपका एसेट एक क्रिएट हुआ जो आपका एसेट नहीं है, आपकी आपको उसका यूज करना है आपकी लायबिलिटी को क्या करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए। अगर आप उसको बेचते पुणे से ही तो जो टैक्स कलेक्ट करते उसमें से वो आईटीसी क्या करते, माइनस करते, और जो वैल्यू एडिशन का पार्ट है उस पर टैक्स किसको पे करते, गवर्नमेंट को पे करते, बाय डिफॉल्ट अपनी जेब से नहीं कर रहे, कहां से कर रहे, कस्टमर से लेके ही कर रहे हो। अब आपने बेचा नहीं, आपके पास सरप्लस स्टॉक था, उसको बिना किसी कारण से कहां ट्रांसफर कर दिया, मुंबई, तो आईटीसी किसके ब्रांच के पास है, पुणे के पास, इसको तो बिना कंसिडरेशन से आया मुंबई के पास, तो उसके पास क्या नहीं है, आईटीसी नहीं है। अब मुंबई वाला उसको बेचेगा, बेचेगा तो फिर उसको जितना भी कलेक्शन किया है टैक्स का पूरा किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट पे, क्योंकि उस पे तो क्या आ गई लायबिलिटी। अब उस पे आई लायबिलिटी और उसके पास क्या नहीं है, आईटीसी, पुणे वाले के पास क्या है, आईटीसी, पर उस पे क्या नहीं आई है, लायबिलिटी। इसलिए फिर आप एक काम करो ना, ट्रांसफर ही कर रहे हो तो उसको क्या ट्रीट कर लो, सप्लाई ट्रीट कर लो, यहां से चला जाएगा वहां पे आ जाएगा, उनको आईटीसी मिल जाएगा, वो लोग बेचेंगे तो उसको आईटीसी का क्या मिलेगा, बेनिफिट, तो फिर आपके फायदे के लिए तो है, पर्टिकुलरली मुंबई की नजर से देखो तो उनका तो इसमें क्या है, एडवांटेज ही, क्योंकि भाई सरकार की नजर में आप एक डिस्टिंक्ट पर्सन हो, भले ही एक ही मालिक के, पर रजिस्ट्रेशन तो कैसे अलग अलग है। तो स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर क्या माना जाता है कानून की नजर में, सप्लाई माना जाता है, और सप्लाई बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। रघुबीर फैब्रिक ट्रांसफर 1000 शर्ट फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ टू रिटेल शोरूम इन दिल्ली। लखनऊ आता है उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली अपने आप में एक क्या है, सेपरेट यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटर है। सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर, द फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ रघुबीर फैक्ट्री आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड, ऑल्दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज। जाहिर सी बात है, एक ही मालिक है, माल बना कहाँ, फैक्ट्री में, बिकने के लिए जा कर आए शोरूम में। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल शोरूम कंस्टिट्यूएट्स क्या, सप्लाई, भले इसमें कोई कंसिडरेशन ना हो तो भी। फिर बात आती है सर, जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो क्या टैक्स लगेगा, और लगेगा तो कौन सी रेट पे लगेगा, ये सवाल आया कि नहीं दिमाग में, है ही नहीं। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में तो कोई एंट्री हुई नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो क्या ट्रांसफर हुआ है, स्टॉक, और आपकी कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में तो इसका कोई फर्क पड़ा नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो कोई जर्नल एंट्री पास हुई ही नहीं है, इट इज मेयर अ ट्रांसफर ऑफ व्हाट, स्टॉक है। तो फिर कैसे लगाए, क्या इस पे टैक्स लगेगा, और लगेगा तो कौन सी रेट पे लगेगा और कौन सी वैल्यू पे लगेगा। रेट तो पता चल जाएगा, पर क्या पता चलना चाहिए, वैल्यू पता चलनी चाहिए। वेट करो, उस पे भी आएंगे, वो सब बात की जाएगी चैप्टर नंबर कहां, 3 में, इसके बाद वही पढ़ना। स्टॉक ट्रांसफर को डीम्ड सप्लाई माना जाता है, क्या माना जाता है, डीम्ड सप्लाई। तो डीम्ड सप्लाई किस किस में होता है, रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। हाउएवर ट्रांसफर बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ अ लीगल एंटिटी अंडर अ सिंगल रजिस्ट्रेशन अपरेंटली विद इन द सेम स्टेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई, दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्या एग्जाम्पल। अब मेरा एक ही स्टेट में, एक ऑफिस पुणे में है, एक ऑफिस मुंबई में, पर मेरा पुणे का और मुंबई का रजिस्ट्रेशन अलग अलग नहीं है, और फिर यहां क्या हो रहा है, स्टॉक का ट्रांसफर, तो यहां तो वो आईटीसी वाला क्या नहीं आएगा, प्रॉब्लम कि आईटीसी एक फर्म में है, एक रजिस्टर पर्सन के पास है, और लायबिलिटी दूसरे रजिस्टर पर्सन की बन रही है, ये केस है क्या, ये केस है क्या, नहीं है ना। तो फिर इस केस में इसको क्या नहीं माना जाएगा, सप्लाई माना नहीं जाएगा। सप्लाई तभी है जब आप क्या हो, डिस्टिंक्ट पर्सन हो, डिस्टिंक्ट पर्सन तभी है जब आपके पास अलग अलग क्या है, रजिस्ट्रेशन। रघुबीर फैब्रिक ट्रांसफर किए 1000 शर्ट फ्रॉम अ फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ टू हिज रिटेल शोरूम इन क्या, कानपुर। अब लखनऊ भी कहां आता है, यूपी में, और कानपुर भी कहां आता है, यूपी में। सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर, इट हैज टेकन वन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ क्या, उत्तर प्रदेश, डिक्लेयरिंग लखनऊ फैक्ट्री
एज इट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड कानपुर शोरूम एट इट एडिशनल प्लेस ऑफ क्या बिजनेस। वैसे वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जो प्रोविजन है ना वो आपको रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में ही पढ़ने मिलेगी, जो सीए फाइनल के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 है और इंटरमीडिएट के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 है। Since no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom in the same state under single registration does not constitute a supply. तो इस पे जब मजा तो तब आएगा ना जब इस पे क्या आएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद प्रोविजंस जो है वो आपको अंदर ही अंदर करेंगे कंफ्यूज, यार ये पढ़ा था कि वो पढ़ा था, ऐसा होता या वैसा होता। पर एक बात ध्यान में रखना, आपका जो कॉमन सेंस है ना वो आपको कभी धोखा देने वाला नहीं है, बाकी कुछ भी हो जाए और कॉमन सेंस रहेगा ना तो उसका जवाब आपको सही मिलेगा, प्रोविजन सही याद आएगी, उसके लॉजिक अपन पढ़ते चलेंगे। लखनऊ की फैक्ट्री से कानपुर के शोरूम में अगर दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ये क्या नहीं है, फिर सप्लाई नहीं है, ये मात्र क्या कहलाएगा, स्टॉक का ट्रांसफर। फिर स्टॉक ट्रांसफर के में भी एक बड़ी जबरदस्त चीज अपने को पढ़नी है जो है ई वे बिल का चैप्टर, पढ़ेंगे कि ई वे बिल बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा। हाउएवर इन द अबो एग्जाम्पल इफ रघुवीर फैक्ट्री ऑप्टेंड अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर लखनऊ फैक्ट्री एंड कानपुर शोरूम, स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन लखनऊ फैक्ट्री एंड कानपुर शोरूम कंस्टिट्यूट क्या सप्लाई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अलग है तो आपके रिटर्न भी कैसे जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। मोल्ड्स एंड डाइज ओन बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जिसको OEM बोला जाता है, That are sent free of cost, जिसको हम बोले जाते हैं FOC, to a component manufacturer in course or furtherance of business do not constitute supply since they are not related person nor a distinct person and there is no consideration involved। इसका एक special circular आया था 47/21/2018 में 8/6/2018 को। अब ये क्या बात है, देखो कई बार क्या होते हैं कि कुछ कंपनी ऐसी होती है जो मोल्ड्स एंड डाइज बनाती है, मतलब सांचे जिसको बोलते हैं, उससे अलग अलग इक्विपमेंट बन सकते हैं। तो आमतौर पे ये लोग क्या करते हैं कि ये मोल्ड और डाइज जो है ना ये दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे या रेंट पे, कि भाई मेरी फैक्ट्री है औरंगाबाद में और मैं एक पर्टिकुलर टाइप का स्क्रू बनाना चाहता हूँ। अब स्क्रू बनाने के लिए मेरे पास कोई मोल्ड है नहीं, अब ये स्क्रू जो है ना ये चाहिए किसी टोयोटा कंपनी को, पर्टिकुलर एक शेप का उनको बनाकर चाहिए। अब उन्होंने मुझे बोला कि आप बना के दे सकते हो क्या, मैंने बोला बना के तो दे सकता हूँ पर उसके लिए जो डिजाइन है या मोल्ड्स है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए, तो उन्होंने बोले कि हमको 4 लाख यूनिट्स चाहिए ऐसे पर्टिकुलर एक स्क्रू के जो हम हमारी कार में क्या करेंगे यूज। तो मोल्ड्स कहाँ है इसके, तो भाई मोल्ड्स तो हमारी यूके की फैक्ट्री में है, हमारे ही पास है इसके मोल्ड्स और वो कहाँ की फैक्ट्री में, यूके। तो एक काम करते हैं, वो मोल्ड्स हमने मंगा लिए हैं इंडिया में और वो हम आपको बेचते हैं, आप मोल्ड यूज कीजिए, उसमें जो भी आपका मेल्टेड मटेरियल है वो डालिए और हमें उस पर्टिकुलर साइज का कोई एक इक्विपमेंट स्क्रू या पार्ट क्या कर दीजिए, बनाकर दीजिए। तो अब कहां से कहां जा रहा है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ना, ये जो मोल्ड्स जिसने बनाया है वो किसको दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, किसको, कंपोनेंट मैन्युफैक्चर को, कि ये रख लीजिए भाई यहाँ पे कोई कंसिडरेशन हमें चाहिए नहीं। और होगा क्या कि वो नट वो पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट या वो चीज बनने के बाद वो मोल्ड बाद में दोबारा काम में आने वाला नहीं है, पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है, हमें 4 लाख यूनिट बना के दो जिसका मोल्ड हम देते हैं, क्योंकि उसका डिजाइन साइज आकार वो सब किसे पता है, हमें पता है। तो ऐसा कुछ आड़ा टेढ़ा कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है या ऐसे शेप का वो एक हमारे कार में एक जगह लगता है, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, तो इसका हम मोल्ड दे रहे हैं आपको, आप इसमें डालिए अपना लोहा पिघला के या स्टील पिघला के और हमें क्या बना के दीजिए, पार्ट। तो यहाँ बिना कंसिडरेशन गए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वैसा था, जो मैन्युफैक्चरर है कंपोनेंट का वो बोले कि ऐसा मोल्ड मेरे पास तैयार नहीं है, ये कुछ अजीब ही शेप है, ना स्क्वायर है ना सर्कल है ना रेक्टेंगल है ना ट्रायंगल है ना, कुछ तो होना चाहिए ना। तो ऐसे केस में अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट मोल्ड दिए ताकि वो आपके लिए क्या बनवा के दे, कोई कंपोनेंट बनवा के दे, तो ये जो ट्रांसफर है ये भले ही कंसिडरेशन के बिना हो पर इसे क्या नहीं माना जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। और ये तो रिलेटेड पर्सन भी नहीं है और साथ में क्या नहीं है, डिस्टिंक पर्सन भी नहीं है। भाई टोयोटा कंपनी अलग चीज़ है, औरंगाबाद में जो इक्विपमेंट बना के दे रही है वो एक अलग ही कंपनी है। ये पर्टिकुलरली हुआ है एक केस जिसके लिए अप्रोच किया था कंपनी ने GST डिपार्टमेंट को कि हमारे इसमें
जो भी हमारे यूनिक कंपोनेंट्स बनवाने होते हैं हम उसके मोल्ड खुद ही बनाते हैं, और फिर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से इस मोल्ड्स को प्रोवाइड करके उससे हम हमारा कंपोनेंट क्या करवा लेते हैं, मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं। तो वैसे इस मोल्ड के हम कोई पैसे लेते नहीं है, और वो बाद में यूज में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो ट्रांसफर तो होता है, पर इसको आप क्या ना ट्रीट कीजिए, सप्लाई ना ट्रीट कीजिए, ऐसा स्पेसिफिकली दिया है। तो इस पर क्वेश्चन सीए फाइनल में बनता है। ये पर्टिकुलर इतने से पैराग्राफ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कब ज्यादा रहती है, जब ये आया था 6/2018 को, ये अप्लीकेबल हुआ था फिर May 2019 के एग्जाम में, और May 2019 में ऐसे अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चन आने की क्या बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो ज्यादातर किन चीजों को कवर करते हुए चलता है, अमेंडमेंट्स को। तो जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स आ रही है, और इसमें अमेंडमेंट्स की कोई कमी नहीं है, मतलब जीएसटी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक्ट इतना सारा है और इसके अमेंडमेंट्स और सर्कुलर और नोटिफिकेशन ढेर सारे हैं। तो जो रिलेवेंट अभी लेटेस्ट में आ रहे हैं, जो ICAI बाद में नोटिफाई करेगा कि इस तारीख तक के पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स आने वाले नवंबर के लिए या मई के लिए क्या है एप्लीकेबल है, तो उतना रिलेवेंट एक अमेंडमेंट का पर्टिकुलर पोर्शन ICAI मटेरियल भी इशू करेगा, उसको बहुत ध्यान से हमें क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। चलिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड क्या एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में क्या माने गए हैं, रिलेटेड पर्सन, कौन से सेक्शन के अंदर, 15 सेक्शन के अंदर, इन टर्म्स ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ अ रिलेटेड पर्सन गिवन अबव, सेक्शन 15 की बात हो रही है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर रिलेटेड पर्सन, हैव योर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू अ एम्प्लॉयर इन कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, शेड्यूल नंबर 3 CGST एक्ट डिस्कस किया सब्सिक्वेंटली इन द चैप्टर। किसकी बात करता है शेड्यूल 3? सर्विस है तो गुड्स है, तो ये क्या कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन क्या एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन गिवन अबो, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर रिलेटेड पर्सन, अगर सर्विस प्रोवाइड करता है कौन, एम्प्लॉय किसको, एम्प्लॉयर को, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नहीं नहीं इन रिलेशन टू हिज क्या एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, हाँ उसकी बात होती है कि इट इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेस, सरकार को अधिकार है ना कि ये ना तो क्या है गुड्स है और ये ना तो क्या है सर्विस है, तो है ना भाई। अब सिंपल सा देखो, मालिक नौकर को सैलरी दे रहा है, मालिक नौकर को क्या दे रहा है सैलरी, इसका मतलब है नौकर मालिक को क्या प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, तो ये तो हुआ ना सप्लाई ऑफ क्या सर्विसेस है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, बाय अ पर्सन भी है, फॉर अ कंसिडरेशन भी है, तो फिर सैलरी पे भी क्या लगा दो उठा के, जीएसटी लगा दो, हाँ ना सैलरी भी तो प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ क्या है सर्विस है, तो आ जाए कोई डंडा खड़ा लेके हो जाए कौन ऑफिसर, बोले आपने तो सर्विस प्रोवाइड किया, अब मैं एक कंपनी में जॉब करूं, मेरी एनुअल सैलरी बनती है 80 लाख रुपीज, 80 लाख रुपए साल की मुझे क्या मिलती है सैलरी, ठोक देना किसी ऑफिसर ने मेरे पे क्या नोटिस किया, आपने कंपनी को 80 लाख रुपए की क्या प्रोवाइड किए सर्विस प्रोवाइड किए, और इस पे मुझे क्या चाहिए जीएसटी, तो आप उसको क्या पढ़ के दिखाओगे, शेड्यूल 3 पढ़ के दिखाओ, जहां सरकार ने बोला है कि इवन दो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सेक्शन 7 सबसेक्शन इसका क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी इन सबको देखते हुए भी आपको लगता है सबसेक्शन सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A इन सबको पढ़ के आपको ये भी लगा कि ये क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, फिर भी शेड्यूल 3 सरकार को पावर देता है कि चुप बैठो, ये ना तो गुड्स का सप्लाई है ये ना तो सर्विसेज का सप्लाई है, तो क्या नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी ने एम्प्लॉयर को इन कोर्स और रिलेशन ऑफ हिज क्या एम्प्लॉयमेंट क्या दी है, अपनी सेवाएं दी है, तो इसको ना तो गुड्स का सप्लाई माना जाएगा ना तो सर्विस का, तो जाहिर सी बात है इस पे क्या नहीं लगेगा जीएसटी नहीं लगेगा, बीच में इनके आंग में आई थी कि इस पे भी क्या लगा दे जीएसटी लगा दे, वो भी RCM के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है रिवर्स चार्ज का पढ़ेंगे। बात हमने पहले भी पढ़ी थी, गिफ्ट बाय मालिक टू हिज नौकर, एम्प्लॉयर बाय हिज क्या
एम्प्लॉय। गिफ्ट तो जा रहा है, अब गिफ्ट के बदले में कंसिडरेशन होता है क्या? नहीं होता है। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कौन है? रिलेटेड पर्सन है। कौन से सेक्शन के अंडर? 15, कंफ्यूज मत हो। फर्दर प्रोविजो टू पैरा टू ऑफ शेड्यूल वन प्रोवाइड दैट गिफ्ट अप टू 50,000 इन वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय अ मालिक टू एन एम्प्लॉय, टू एन एम्प्लॉय, एन एम्प्लॉय मतलब एक एम्प्लॉय, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड और क्या सर्विस और बोथ, हाउएवर गिफ्ट इज वैल्यू मोर देन कितना 50,000 मेड विदाउट क्या कंसिडरेशन आर सप्लाय एंड आर सब्जेक्ट टू जीएसटी वेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ क्या बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 1,00,000 रुपए का गिफ्ट लिया और किसको दिया आपने? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दिया, तो पहले तो आप गिफ्ट खरीदोगे, गिफ्ट खरीदोगे तो एंट्री क्या पास करोगे? चलो मान के चलो कि आपके लिए ये क्या है, गुड्स है। गुड्स अकाउंट को क्या किया आपने? डेबिट। और बैंक को क्या किया? क्रेडिट। अब अगर इस पे जीएसटी लगा तो क्या एंट्री पास करोगे? गुड्स अकाउंट को डेबिट, सीजीएसटी को डेबिट, एसजीएसटी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। अब मुझे बताओ आपने इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल तो किया, करना नहीं चाहिए क्योंकि आपको ये चीज बेचनी नहीं है, बराबर है? और बेच के इस पे टैक्स लेके किसी को टैक्स देना नहीं है, तो मत कीजिए ऐसा। जब आप बेचने के लिए कोई चीज नहीं खरीदते तो उस पे आईटीसी को अवेल करना नहीं चाहिए। तो चलो आपने गुड्स को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया, बाद में आप उसको एज अ गिफ्ट दे रहे हो, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट, है ना, टू क्या गुड्स अकाउंट। तो ये चला गया आपके पीएनएल के कहां? डेबिट में। एज लॉन्ग एज ये जो एंट्री है ये 50,000 या उससे कम की है, 50,000 या उससे कम की है, तो इस पे आपके क्या नहीं लगती? जीएसटी नहीं लगती है, इसको सप्लाई माना नहीं जाता। पर अगर यही चीज कितने लाख रुपए की है? 1,00,000 रुपए, तो आपको एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी? एम्प्लॉई एक्सपेंसेस अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट 1,18,000, बराबर है? गुड्स को क्रेडिट कितना? 1,00,000 टू सीजीएसटी पेएबल और टू एसजीएसटी पेएबल कितना? 9,000 and 9,000। ये लायबिलिटी बनती है आपकी अगर यहां पे विदाउट कंसिडरेशन भी आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो बाय वे ऑफ क्या गिफ्ट। ये है प्रोविजो टू पैरा टू ऑफ शेड्यूल वन। फिर आगे क्या, गिफ्ट क्या है? द टर्म गिफ्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन क्या जीएसटी लॉ। इन कॉमन पैरेलेंस गिफ्ट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, ये होता है वॉलेंटरी इन द नेचर एंड मेड ऑकेजनली, इट कैन नॉट बी डिमांडेड एज अ मैटर ऑफ अ राइट बाय द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय कैन नॉट मूव टू अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ऑब्टेनिंग अ क्या गिफ्ट, कि भाई मेरे को गिफ्ट नहीं दिया तो मैं तुम पे क्या डाल दूंगा, केस डाल दूंगा। हाँ भाई किसी को देना है तो क्या दो, गिफ्ट दो। हाँ भाई मैरिज एनिवर्सरी पे वाइफ को दिया जाने वाला गिफ्ट, ये थोड़ा सा अलग नेचर का होता है, उसकी डिमांड भी होती है, हालांकि ओकेजनली दिया जाता है, ये वॉलंटरीली नहीं होता है, ये एक प्रकार का पनिशमेंट ही है कि आपको इसको फॉलो करना है, मतलब करना है। खैर चलो छोड़ो। परक्यूजिट बाय एम्प्लॉयर टू क्या एम्प्लॉय, परक्यूजिट का मतलब क्या होता है? सुविधा है। एक मालिक अपने नौकर को क्या मुहैया कराता है? अलग अलग प्रकार की सुख और सुविधाएं भी देता है और उसके बदले में कोई कंसिडरेशन लेता नहीं है। अब ये सुख सुविधाएं बाय वे ऑफ गुड्स भी हो सकती है एंड बाय वे ऑफ सर्विसेज भी हो सकती है। एज ऑलरेडी मेंशन दैट सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर इन कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ क्या जीएसटी, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और ये कहा गया है शेड्यूल नंबर क्या 3 में। सर्विसेज कौन दे रहा है? नौकर दे रहा है, एम्प्लॉय किसको दे रहा है? एम्प्लॉयर को। पर यहां बात हो रही है परक्यूजिट की, कौन दे रहा है? मालिक किसको दे रहा है? नौकर को। इट फॉलोज देयर फ्रॉम दैट पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन टर्म्स
ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इंटर इन टू बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विल नॉट सब्जेक्ट टू क्या जीएसटी. मतलब सिंपल सी बात है, सैलरी पे क्या नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता. इफ सर्विस इज सच एज मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू ऑल द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर. अब ये सब क्या है भाई, मेरे यहाँ पे जॉब करते हो आप लोग, आपको मेरे हेल्थ क्लब की, फिटनेस सेंटर की, या रिक्रिएशनल सेंटर की, या स्विमिंग पूल की, आपको एक मेंबरशिप मिलेगी जिसके लिए आपको क्या पे नहीं करने हैं, पैसे. तो ये परक्यूजिट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, मालिक के द्वारा एम्प्लॉय को दिए जाने वाली सुविधाएं. आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू ऑल एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉय द सेम विल नॉट सब्जेक्ट टू क्या जीएसटी. इस पे भी क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा. हालांकि ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, सप्लाई भी हो रही है क्या सर्विसेज, पर यहाँ पे कंसिडरेशन है भी नहीं, फिर भी इट इज नॉट सब्जेक्ट टू क्या जीएसटी. द सेम वुड होल्ड ट्रू फॉर फ्री हाउसिंग टू द एम्प्लॉयज. रहने के लिए क्वार्टर भी देती है कंपनी. फिर तो कोई बोलेगा कि आपने सर्विसेज का क्या किया है, सप्लाई. हालांकि आप बेच नहीं रहे हो, पर रहने के लिए तो क्या दे रहे हो, क्वार्टर से घर दे रहे हो. वेन द सेम इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ कॉस्ट टू कंपनी, सी टू सी जिसको हम बोलते हैं, कि भाई आप मुझे जॉब दो तो टोटल सी टू सी में आपके हाथ में जो आएगी वो सैलरी, और साथ में आपको दी जाने वाली परक्यूजिट्स मतलब सुविधाएं. इन सब चीजों पे क्या नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, और इसे क्या नहीं माना जाता, सप्लाई नहीं माना जाता. हाँ, आपके पास, आप एक कंपनी हो, आपके पास क्वार्टर्स भी है. आपने क्वार्टर्स दिए हैं रहने को अपने एम्प्लॉयज को, बराबर है, तो आप उन्हें सुविधाएं दे रहे हो. इसको तो हटा दिया शेड्यूल थ्री ने कि आप इसको क्या मत मानो, सप्लाई मत मानो. पर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वार्टर्स है, और कुछ दिनों के लिए आपने किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए उसको किसी और को रेंट आउट किया, किसी और को. हालांकि उसमें क्या नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, पर जिसको दिया वो आपका क्या नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है. तो क्या इस ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी इसे क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा. एक कंपनी है, एम्प्लॉय की बेटी की शादी थी, तो गेस्ट आ रहे थे, तो इन्होंने अपना गेस्ट हाउस पूरे बारातियों के लिए ओपन कर दिया. बोले हमारा लॉन भी यूज करो, हमारा गेस्ट हाउस भी यूज करो. तो लोग आए, दो तीन दिन शादी का प्रोग्राम चला, पूरा गेस्ट हाउस क्या था, ऑक्यूपाइड था. व्हाट इज योर व्यू, यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है. एम्प्लॉय बहुत ही हाई पोजीशन का एम्प्लॉय था कंपनी का, उसकी बेटी की शादी के लिए कंपनी का पूरा गेस्ट हाउस, लॉन, सब कुछ, स्विमिंग पूल, टैंक, वहां के लेबर्स, काम करने वाले लोग, सब कुछ सुख सुविधा में लगा दिए गए बेटी की शादी के लिए. क्या हुआ है, क्या यहाँ पे सप्लाई हुआ है क्या, क्यों सर्विसेज का सप्लाई तो हो रहा है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है. गुड, ये ऐसा अगर केस स्टडी आता है तो आपको उसको कोट करते आना चाहिए कि क्यों नहीं है. मैं बताता हूं क्यों. देखो, मान के चलो शीतल ने अपने पापा से पूछा, घर वालों को, पापा मेरे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं होली मनाने, जाऊं क्या उनके साथ. जवाब क्या आएगा, नहीं. फिर एग्जाम में क्वेश्चन आया, शीतल आस्क परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट टू गो टू वेकेशन टू गोवा, विल शी बी अलाउड टू गो. आंसर इज नो. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. आंसर तो सबको पता है, जज से लेके तो भगवान विष्णु भी जानते हैं कि पापा क्या बोलने वाले हैं, नहीं बोलने वाले. पर 4 मार्क्स मिलेंगे क्या आपके सिर्फ नो पे. जवाब बिल्कुल सही है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वैलिड रीजन कोट करना पड़ेगा. उसी तरह अगर कोई केस स्टडी आती है, क्या पर्टिकुलर चीज सप्लाई है या नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेना होगा या नहीं लेना होगा, इस सप्लाई पे जीएसटी लेवी होगा या नहीं होगा, या तो फिर पर्टिकुलर आईटीसी एलिजिबल है, अवेल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, एंड 100 टाइप के क्वेश्चन आएंगे. पढ़ के तो आपको 100% सही लगेगा इसका जवाब यस है या इसका जवाब नो है, फिर भी आपको 4 मार्क्स अवॉर्ड किए नहीं जाएंगे जब तक आप उसका प्रॉपर क्या नहीं देते, रीजन नहीं देते. तो भाई हमने अभी तक पढ़ रहे हैं ऐसे केसेस जहां कंसिडरेशन ना भी हो फिर भी उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा. कहां होती है इसकी बात, शेड्यूल 1 में होती है. बात बराबर है ना.
शेड्यूल वन को किसके साथ पढ़ना है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी प्लस करना है आपको उसमें शेड्यूल 1। और ये बताता है कितनी केसेस, 4 केसेस। ऐसी 4 केसेस जहां पर क्या नहीं होगा, कंसिडरेशन नहीं भी होगा, फिर भी क्या माना जाएगा, सप्लाई। पहला है अगर आपने क्या डिस्पोज ऑफ और ट्रांसफर किए बिजनेस ऐसे, पैरा 1। पर उसमें एक कंडीशन है, अगर उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है तो, नहीं किया है तो नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई है अगर उस पर ITC लिया गया है तो। दूसरी केस, रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। अब पैरा 3 पे आते हैं, इसका थर्ड प्रिंसिपल, जहां क्या नहीं है कंसिडरेशन फिर भी क्या है ये, सप्लाई है। जहां रिलेशन है प्रिंसिपल और एजेंट का, एजेंसी का रिलेशन जहां बनता है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, कंसाइनमेंट के केस में प्रिंसिपल किसको माल बेचता है, भेजता है एजेंट को, तब वो उसे रेवेन्यू बुक करता है क्या, नहीं। सेल ट्रीट करता है क्या, नहीं। बुक में कोई एंट्री पास करता है क्या, हाँ। कंसाइनमेंट अकाउंट को करता है एट कॉस्ट डेबिट, और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को करता है क्रेडिट। यहां क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट विदाउट कंसिडरेशन वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज क्या, सप्लाई। मतलब कंसाइनमेंट के ट्रांजेक्शन को क्या माना जाता है, सप्लाई। तो आपने CA फाउंडेशन में कंसाइनमेंट पढ़ा था अकाउंट में, क्या एंट्री पास करते वक्त कहीं GST को कंसिडर किया क्या, नहीं, रहेगा भी नहीं, क्योंकि GST आ ही रहा है CA इंटरमीडिएट के बाद। तो GST पढ़ने के बाद जहां जहां GST पढ़ोगे वहां पे अकाउंटिंग एंट्री में अगली बार से क्या लगाते चलो, GST, और सोचते चलो इस ट्रांजेक्शन की मैं एज अ अकाउंटेंट एंट्री करता तो क्या एंट्री पास करता। और इस तरीके से अगर एंट्री आपके दिमाग में छपने लगे ना तो ये GST उतना ही क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। सिमिलरली सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन वेयर द एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज क्या, सप्लाई। पॉइंट्स विच मेरिट कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड आर एज फॉलो, ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस इज कवर्ड हियर। क्या ये किसी ने ऊपर पढ़ते वक्त नोटिस किया क्या, जब ये ऊपर की लाइन पढ़े थे तो एक वर्ड होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हुई थी प्रिंसिपल के द्वारा किसको, एजेंट को। सिमिलरली सप्लाई ऑफ गुड्स की ही बात हुई है एजेंट के द्वारा क्या, प्रिंसिपल, क्योंकि आप सर्विसेज कंसाइनमेंट पे भेज ही नहीं सकते, क्योंकि आइडियली आप सर्विसेज तो कंसाइनमेंट पर भेज ही नहीं सकते। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो क्या, सप्लाई। तो ये पढ़ते पढ़ते यार भूल मत जाना यार, हर जगह तो गुड्स एंड सर्विसेज लिखा होता है, यहां तो सिर्फ क्या लिखा हुआ है, गुड्स। कारण भी रहा होगा ना, अब भाई एक प्रिंसिपल अपने एजेंट के पास क्या भेजेगा, सर्विस, ये मैंने भेजी सर्विस और तू किसी और को दे दे, इज दिस पॉसिबल क्या, नो। द सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड वाइस वर्सा वुड देयरफॉर रिक्वायर क्या, कंसिडरेशन टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एंड थस विल बी लाइबल टू क्या, GST। लेट अस फर्स्ट गो थ्रू द मीनिंग ऑफ अ टर्म प्रिंसिपल एंड क्या, एजेंट। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, जो सेक्शन 2 किसकी बात करता है GST एक्ट में, डेफिनेशन ही डेफिनेशन। डिफाइंस एजेंट एज अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर ब्रोकर। फैक्टर क्या होता है, आपका फैक्टर वो व्यक्ति होता है, आप उधारी पे माल बेचो, आपने अगर 1000 का माल उधारी पे बेच दिया तो फैक्टर वो व्यक्ति होता है जो बोलता है मैं वसूली करके लाके दूंगा आपको, कितने रुपए की, 1000 की, और इसमें मेरा 1% का क्या देना, आप लोग कमीशन देना। तो वो 1000 रुपये वसूल करेगा, हमको 990 देगा और 10 रुपये अपना क्या काट लेगा, कमीशन। ये होता है फैक्टर। ब्रोकर हो सकता है एजेंट आपका, आपका कमीशन एजेंट हो सकता है, आपका आरतिया हो सकता है, आरतिया समझते हो, आपका ब्रोकर। तो ब्रोकर के लिए कई जगह पे आरतिया वर्ड क्या होता है, यूज होता है। डेल क्रेडिट एजेंट हो सकता है आपका, जो खुद ही उधारी पे बेचे और रिस्क भी खुद ही बियर करे। एन ऑक्शनियर हो सकता है और एनी अदर मर्कंटाइल एजेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। वैसे तो एजेंट के कई सारे नाम रूढ़ है हमारी सिस्टम के अंदर, कहीं आरतिया बोला जाता है, कहीं दलाल भी बोला जाता है ना, कहीं कहीं वर्ड क्या यूज होता है, दलाल।
हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ क्या अनदर। तो आपका एजेंट जो आपके बिहाफ में क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करता है। एज वी कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस डेफिनेशन द एजेंट, द टर्म एजेंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ वेरियस एक्टिविटी बींग कैरिड आउट बाय अ पर्सन कंसर्न इन अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एंड बी द सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैज टू बी अंडरटेकन बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्या प्रिंसिपल। तो एक बात तो समझ लो भाई, अगर गुड्स का सप्लाई होता है बिना कंसिडरेशन के प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को या एजेंट के द्वारा प्रिंसिपल को, तो भी उसे क्या माना जाता है, सप्लाई। और अगर सर्विसेज का सप्लाई होता है प्रिंसिपल से द्वारा एजेंट को और एजेंट के द्वारा प्रिंसिपल को और उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो ये सप्लाई भी नहीं है। वो सप्लाई सप्लाई तभी होगा जब उसमें क्या होगा, कंसिडरेशन होगा। फर्दर द टर्म प्रिंसिपल हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 एज अ पर्सन हु ऑन हुज बिहाफ द एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस और क्या बोथ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ अ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 एज डिस्कस अबव और नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर इज वेदर द इनवॉइस फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज बींग इशूड बाई द एजेंट और नॉट। इसको अंडरलाइन हाईलाइट करो। अब भाई कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का नेचर बायर और सेलर का है, सच में जो माल बेचा जा रहा है ये एज अ सेलर बायर को बेचा जा रहा है या एज अ प्रिंसिपल किसको भेजा जा रहा है, एजेंट को, ये तय कब होगा कि अगर आपका फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट और नॉट। अब अगर वो आपका एजेंट है, आपने तो माल भेज दिया, बेचा क्या नहीं, भेजा है, सेंड किया है, सेल किया नहीं है। जब वो सेल होगा तो आपका एजेंट उसका क्या इशू करेगा, इनवॉइस, किसके बिहाफ में, आपका, आपका एक बिल बुक या कोई डॉक्यूमेंट उसके पास रहेगा, आप ही का नाम रहेगा उस पे और आपके बिहाफ में ही वो गुड्स को क्या करेगा, सेल। अगर ऐसा नेचर है तो ये बात पक्की साबित हो जाती है कि रिलेशन कैसा है, प्रिंसिपल और एजेंट का। पर अगर बाद में आप बोल दो कि भाई मैंने तो माल बेचा नहीं है, सेल नहीं किया, मैंने तो माल को सेंड किया है क्या, कंसाइनमेंट पे, और बाद में आपका जो एजेंट है वो माल को बेचते वो खुद के नाम से माल को बेच रहा है, इनवॉइस खुद का इशू कर रहा है, मतलब उसने तो ये मान लिया कि आपसे माल क्या किया है, परचेस, और आप बोल रहे हो कि आपने क्या नहीं किया, सेल, तो आप झूठ बोल रहे हो। आपने सेल किया, उसने क्या किया, परचेस किया। अगर आपका एजेंट आपके बिहाफ में सेल करते वक्त इनवॉइस इशू करता है तो फिर बात पक्की हो जाएगी कि आपकी जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट की है। अब लोग इसमें क्यों गलतियां, क्यों फ्रॉड करते होंगे, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आज मैंने 1 CR का गुड्स किसी को भेजा, एक्चुअली बेचा, मैं अगर इसको सेल दिखा देता तो मेरी आज ही लायबिलिटी आ जाती क्या पे करने की, GST। तो मैंने बोला उसको कि सुन ना मेरे भाई, इसको कंसाइनमेंट दिखा देते, आई एम जस्ट सेंडिंग यू गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, प्लीज तू भी इसको परचेस में दिखा मत, मैं भी इसको सेल में दिखाता नहीं हूँ, फिर अगले महीने तू दिखा देना कि तेरे से माल बिक गया, मैं दिखा दूंगा कि मेरा सेल हो गया, और फिर इस मैटर को क्लोज करते, क्योंकि इस महीने मेरे पास GST भरने के लिए क्या नहीं है, पैसे नहीं, या बेच भी डाल, फिर देखेंगे आगे, जब तक जमता है तब तक इस वक्त बाय वे ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बाय वे ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और बाय वे ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। In other words, the crucial point is whether or not the agent has the authority to pass or receive the title of a goods on behalf of क्या principal। तो agent के पास तो अधिकार आ गया ना, वो आपका agent है, उसने आपसे क्या लिए, goods, वो किसी और को बेच सकता है, मतलब एक legal और valid title भी वो क्या कर सकता है, pass कर सकता है, तो उसके पास वो right है या नहीं। Whether the invoice for further supply is being issued by the agent in his name, then any provision of a goods from the प्रिंसिपल टू एजेंट वुड फॉल विद इन द फोल्ड ऑफ पैरा 3 अबोव, वेयर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय क्या, एजेंट इन हिज नेम। तो फर्क को समझो, नॉर्मल बिजनेस कंडीशन में एक जेन्युइन कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना नहीं जाता अगर रिलेशनशिप है एजेंट और प्रिंसिपल का, पर अगर ये पता चलता है कि आपके एजेंट ने बाद में बेचते वक्त इनवॉइस खुद के नाम से क्या किया, इशू किया, तो इस बात का मतलब है कि वो कंसाइनमेंट वाला विदाउट कंसिडरेशन का सेल नहीं था।
वो एक्चुअली क्या था? सेल था, सप्लाई था। कौन पकड़ेगा इन सब चीजों को? जाहिर सी बात है, डिपार्टमेंट पकड़ेगा कि भाई तुम तो बोल रहे थे कि कंसाइनमेंट पे माल बेचा, हमने वहां जाके चेक किया तो वो खुद के नाम से क्या इशू कर रहा था? इनवॉइस इशू कर रहा था। तो कौन से एंगल से ये कंसाइनमेंट हुआ? ये एक्चुअली क्या है? सेल है, मतलब जीएसटी की भाषा में क्या है? सप्लाई है। इनवॉइस कौन इशू कर रहा है फिर? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाउएवर, वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय द एजेंट टू अ कस्टमर इन द नेम ऑफ क्या? प्रिंसिपल, सच एजेंट शॉल नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ पैरा 3 अबो। सिमिलरली, वेयर द गुड्स इज बींग प्रोक्यूर्ड बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, इनवॉइस इन द नेम ऑफ अ एजेंट, देन फर्दर प्रोविजन ऑफ अ सेड गुड्स बाय द एजेंट टू द प्रिंसिपल वुड बी कवर्ड इन पैरा 3। मतलब इसको माना जाएगा सप्लाई। जहां जहां वर्ड यूज हुआ है, वुड कवर्ड बाय पैरा 3, वुड कवर्ड बाय पैरा 3, वुड कवर्ड बाय पैरा 3। और पैरा 3 क्या है? प्रिंसिपल एजेंट के बीच में किया गया ट्रांजैक्शन विदाउट एनी कंसिडरेशन, और उसको मानेंगे हम क्या? सप्लाई। तो यह है कि अगर कोई गुड्स प्रोक्योर किया जाता है एजेंट के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ क्या? प्रिंसिपल, और उस माल को प्रोक्योर और खरीदने के वक्त इनवॉइस आता है किसके नाम से? एजेंट के नाम से। अब माल प्रिंसिपल से एजेंट के पास नहीं जा रहा है, बल्कि एजेंट से प्रिंसिपल के पास आ रहा है। और जब माल एजेंट के पास आया था तो एजेंट बोलेगा ये मेरा माल नहीं है, ये तो मेरे किसका माल है? प्रिंसिपल का माल है। मेरे पास तो सिर्फ आया है, मैं भेज दूंगा किसको? मेरे प्रिंसिपल को। पर आते वक्त इनवॉइस किसके नाम से आया? एजेंट के। मतलब एजेंट के लिए परचेस हो गया, तो एजेंट जो प्रिंसिपल को बेच रहा है वो तो जेन्युइनली क्या है? सेल है। मतलब क्या है? सप्लाई। मतलब सिंपल है, अगर रियली जेन्युइन, इसके लिए अकाउंटिंग समझो, इसके लिए क्या समझो? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में अगर आपके लिए परचेस है, आपने माल किसी को भेजा, उसने अपने आप को क्या ट्रीट किया? परचेस ट्रीट किया, और बाद में वो अपना खुद का क्या ट्रीट कर रहा है? सेल। तो ये कंसाइनमेंट का ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ये सीधा सीधा सेल और सप्लाई ही है। मतलब आप उल्लू नहीं बना सकते। किसको नहीं उल्लू बना सकते? गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को। अगर ऐसी कोशिश कर रहे हो तो आपको पकड़ के फिर आपकी गर्दन को काटा जाएगा। अब वो क्लैरिफिकेशन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग सिनेरियो बेस्ड क्या? एग्जाम्पल। फटाक से दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अनमोल ने अपॉइंट किया भोलू को टू प्रोक्यूर सर्टन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। कि भाई अनमोल बोल रहा है, ए भोलू मेरे लिए मार्केट से कुछ चीजें खरीद। मतलब प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे? अनमोल है। भोलू कौन है? उसका एजेंट। भोलू अनमोल के लिए क्या खरीदेगा? माल। एजेंट दो काम करता है प्रिंसिपल के लिए, या तो उसका माल बेचता है या तो उसके लिए माल खरीदता है। हाँ ना। भोलू आइडेंटिफाई किया वेरियस सप्लायर हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर बाय अनमोल एंड आस्क द सप्लायर। सप्लायर कौन है? गोलू। टू सेंड द गुड्स एंड इशू इनवॉइस डायरेक्टली किसको? अनमोल को। अब यहाँ पे सच में क्या ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है भोलू और अनमोल के बीच में, ये सप्लाई है क्या? नहीं है, नहीं है। ये शेड्यूल 1 के पैरा 3 को हिसाब से क्या नहीं माना जाएगा? सप्लाई। क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस किसके नाम से इशू हो रहा है? अनमोल के नाम से। इन दिस सिनेरियो भोलू इज ओनली एक्टिंग एज अ प्रोक्यूरमेंट एजेंट एंड हैज इन नो वे इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ क्या? गुड्स। हेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट भोलू इज नॉट एन एजेंट ऑफ अनमोल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ पैरा 3। एजेंट है पर ये पैरा 3 के हिसाब से एजेंट नहीं है। मतलब इन दोनों के बीच के ट्रांजैक्शन को क्या नहीं माना जाएगा? सप्लाई। एजेंट है तभी तो उसके लिए काम कर रहा है। भोलू एजेंट है पर पैरा 3 के हिसाब से वो एजेंट साबित हो गया। इसका मतलब है तुम दोनों के ट्रांजैक्शन को हम क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। पैरा 3 के हिसाब से आप एजेंट और प्रिंसिपल बन गए, मतलब आपके बीच का ट्रांजैक्शन क्या है? सप्लाई। फिर उस पर टैक्स आएगा क्योंकि वास्तव में वो कंसाइनमेंट वाला ट्रांजैक्शन या प्रिंसिपल एजेंट वाला ट्रांजैक्शन है ही नहीं। एक खरीद रहा है और दूसरा बेच रहा है, यही सच्चा है, यही वास्तव है। और अगर यही वास्तव है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। फिर सच्चे सच्चे सेल को और सच्चे सच्चे परचेस को आप बोलते हो कि ये ट्रांजैक्शन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट के बिटवीन है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो आप तो उल्लू ही बना रहे हो। सेकंड केस, मिस्टर टिनटिन, मेसर्स टिनटिन, ए बैंकिंग कंपनी, अपॉइंट किया मंदार, एक ऑक्शन दे रहा है टू ऑक्शन द सर्टन गुड्स, द ऑक्शनियर अरेंज फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बीडर्स। अब अगर आप बैंक हो तो आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसके अगेंस्ट लोगों ने क्या लिया होता है? लोन।
और वो लोन नहीं चुकाते, तो आप उसकी कार, उसका घर या उसकी गोल्ड को क्या कर लेते हो, फॉरफिट कर लेते हो, बाद में उसका क्या करवाते हो, ऑक्शन करवाते हो, और अपना लोन का पैसा जितना होता है उतना काट के एक्सेस पैसा जो आपका कस्टमर है उसको क्या कर देते हो, वापस कर देते हो। ऐसे केस में आप अपने एजेंट को अपॉइंट करते हो जिसको हम बोलते हैं ऑक्शनियर्स, कि भाई तुम लोग देखो इस घर के लिए कोई पार्टी मिलती है क्या, है ना, इस कार के लिए कोई पार्टी मिलती है क्या। द हाइएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द गुड्स आर सोल्ड टू द हाइएस्ट बिडर बाय मेसर्स टिन टिन, बैंक की बेच रही है। द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय द बैंक टू सक्सेसफुल बिडर। अब इसमें एजेंट का कोई रोल है क्या? जेन्युइनली बैंक और एजेंट के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? नहीं, ये तो प्योर एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है। इन दिस सिनेरियो द ऑक्शनियर इज मेयरली प्रोवाइडिंग द ऑक्शनियरिंग सर्विसेज विथ नो रोल प्लेड इन द सप्लाई ऑफ क्या, गुड्स। इवन इन दिस सिनेरियो मंदार इज नॉट एन एजेंट, एजेंट तो है पर कहां से एजेंट नहीं है वो, पैराग्राफ 3 ऑफ शेड्यूल 1 के। अगर इसमें एजेंट या प्रिंसिपल बन गया वो, तो फिर आपस में दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, सप्लाई किए। गौतम एक आर्टिस्ट है, अपॉइंट करता है गंभीर को, एक ऑक्शनियर को, टू ऑक्शन हिज पेंटिंग। गंभीर अरेंज करता है फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर, द हाइएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाइएस्ट बिडर। द इनवॉइस ऑफ अ सप्लाई ऑफ द पेंटिंग इज इशूड करेगा कौन? ओए यहां कौन इनवॉइस इशू कर रहा है? गंभीर इशू कर रहा है। पेंटर कौन है? गौतम। एजेंट कौन है? गंभीर। खरीद कौन रहा है? बीडर। और बीडर को बिल कौन दे रहा है? गंभीर दे रहा है। ओ माय गॉड, अब गंभीर क्यों बिल देगा? ओनर गंभीर है क्या उसका? नहीं, मतलब जब गौतम ने गंभीर को पेंटिंग दी थी तो वास्तव में बेचने के लिए नहीं दी थी, बल्कि बेच ही दी थी। तभी तो गंभीर की इतनी ताकत आ गई कि वो खुद के नाम से क्या इशू कर रहा है, इनवॉइस ऑन द बिहाफ ऑफ गौतम। ओए इशूड बाय गंभीर है, बट ऑन बिहाफ ऑफ क्या है, गौतम। अगर ये वर्ड नहीं होता तो फिर तो यही माना जाता कि गौतम ने ही किसको बेचा है, गंभीर को, पर यहां वर्ड आ गया। भले इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, गंभीर, पर किसके बिहाफ में, गौतम में। बहुत बड़ा फर्क है इसमें, गंभीर का द्वारा इशू करना और गंभीर के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ क्या, गौतम। फिर ये बात सही है, गंभीर बिल दे रहा है पर किसके बिहाफ में दे रहा है, गौतम के, बट इन हिज ओन नेम एंड द पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू द सक्सेसफुल बिडर। बट इन हिज ओन नेम मतलब कौन? फिर से गंभीर की बात आ गई। इसका मतलब है बड़ा झोल है इसके अंदर, इसका मतलब है गौतम और गंभीर का रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट का है ही नहीं, पहले ही तय हो चुका था कि गौतम ने किसको बेच दिया, गंभीर को। अब गंभीर अपनी मर्जी से आगे क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो गौतम की जिम्मेदारी तो तभी आ गई जब गौतम ने किसको दे दिया था, गंभीर को, भले गंभीर 6 महीने बाद किसी और को बेचे। जेन्युइनिटी को समझो, जेन्युइनिटी को समझोगे तो लॉ को समझोगे, लॉ अनजेन्युइन नहीं है, लॉ जेन्युइन है। किसके खिलाफ है? अनजेन्युइन ट्रांजेक्शन और पर्संस के खिलाफ है। तो आपका कॉमन सेंस यूज करोगे तो आप भी लॉ की सही नब्स को पकड़ लोगे। इन दिस सिनेरियो गौतम इज नॉट मेयरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनियर सर्विसेज, वो मात्र एक एजेंट नहीं है, बट ऑल्सो सप्लाइंग द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ गौतम टू द बिडर, हैज द ऑथोरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ अ प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ गौतम। दिस सिनेरियो कवर्ड अंडर क्या, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। एक कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट और एक कमीशन एजेंट टेक्स अ पोजेशन ऑफ अ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड इशू द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। इन सच केसेस द कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एंड कमीशन एजेंट इज एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। द डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ अ प्रिंसिपल इज इमटेरियल इन सच सिचुएशन। इसको स्टार मार्क करोगे, एक छोटी सी चीज कहीं पे छुपी हुई है पर क्वेश्चन बनता है। तो इसके क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स को समझने के लिए आपको डायरेक्टली बिजनेस की बहुत समझ होनी चाहिए कि कैसे कैसे नेचर की बिजनेस एक्टिविटी लोग क्या करते हैं, कैरी ऑन करते हैं। तो एक होता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट और होता है एक कौन सा, कमीशन एजेंट। ये गुड्स का पोजेशन लेता है फ्रॉम द
प्रिंसिपल एंड इशू द इनवॉइस इन हिज ओन नेम इन सच केसेस दिस क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट या कमीशन एजेंट इज एन एजेंट ऑफ अ प्रिंसिपल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. और यहाँ पे माना जाएगा कि सप्लाई हुआ है प्रिंसिपल के द्वारा उसके क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को. तो इस पर जब केस स्टडी आएगा तो अपन देखेंगे. तो इसको याद रखना सिर्फ कि प्रिंसिपल ने CNF को क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को अगर माल दिया है बेचने के लिए किसी और को तो यहीं पे वो सप्लाई हो जाता है बिटवीन प्रिंसिपल एंड क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, चाहे उस प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज हो या ना हो. जनरली एक्सपोर्ट के केस में ये बहुत होता है. अब एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है कि वो जो एजेंट्स होते हैं, अब आप तो इंडियन मैन्युफैक्चरर और आपको नहीं पता कि फॉरेन मार्केट में कहाँ ये माल बिकना है और कौन इसका पोटेंशियल बायर है. आपका एजेंट क्या बोलता है कि मैं आपको अभी पैसे नहीं दूंगा, आई एम टेकिंग योर गुड्स, आई विल सेल इट इन अब्रॉड, फिर वहां से सेल प्रोसीड आएगा और मैं आपको दूंगा. तो यहाँ पे प्रिंसिपल को यह मानना चाहिए कि जब उसने क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग को दिया तभी वो कानून की नजर में क्या माना गया है, सप्लाई माना गया है, सेल माना गया है. पर इन जनरल अकाउंटिंग टर्म तो आप बोलोगे कि नहीं ये माल अभी तक बिका नहीं है, ये तो मैंने मेरे एजेंट को दिया है, वो बेचेगा इसको कहीं ना कहीं. ना, GST में ये सब बातें मंजूर नहीं है. ये पैरा 3 के हिसाब से इसको क्या मान दिया गया है, सप्लाई. रवि सेल्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ कवि. रवि क्या सेल करता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ कवि हु इज अ कमीशन एजेंट एज पर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी ऑफ द स्टेट. कवि आइडेंटिफाइज द बायर and sells the agriculture produce on behalf of Ravi for which he charges a commission from क्या Ravi. तो ये Ravi एक businessman है. Ravi के पास अपना सारा agriculture produce है, मान के चलो कि गेहूं है, wheat है. किसके पास wheat है, Ravi के पास. Ravi बेचना चाहता है अपने माल को कहीं. Ravi ने अपने एक agent appoint किया, वो agent कौन है, कवि. कवि अलग अलग factory owners को जानता है, अलग अलग buyers को जानता है क्योंकि वो agent है. और ये सारा ट्रांजैक्शन होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, जिसको हम APMC बोला करते हैं. वहां पे सारे अनाजों की क्या होती है, खरीदी बिक्री. तो रवि एक व्यापारी है, वो बोलता है कि एजेंट भाई मेरा माल बिकवा दे. एज पर द APMC एक्ट द कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु बाइज और सेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ क्या, प्रिंसिपल, और फैसिलिएट करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड रिसीव्स बाय वे ऑफ अ रेम्युनरेशन और अ कमीशन और अ परसेंटेज अमॉन्ग द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच ट्रांजेक्शन. और हो सकता है कि ये कमीशन दोनों ही पार्टियों से ले, बायर से भी और सेलर से भी. इन केसेस वेयर द इनवॉइसेस इज इशूड बाय कवि टू द बायर द फॉर्मर इज एन एजेंट कवर अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1. हाउएवर इन केसेस वेयर द इनवॉइसेस इज इशूड डायरेक्टली बाय रवि टू क्या, बायर, द कमीशन एजेंट कवि डजंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एजेंट कवर अंडर पैरा 3. अब जनरली भी यही है, जो बिल देगा वही मालिक होगा. आप वो चीज बेच ही नहीं सकते जिसके आप क्या ना हो मालिक. तो अगर रवि से माल लेने के बाद आगे बेचते वक्त कवि खुद का क्या इशू करता है, इनवॉइस. तो रवि ने जब कवि को माल दिया तभी क्या माना जाएगा कि क्या हो गया, सप्लाई. पर अगर रवि कवि को माल देता भी है, कवि किसी और को बेचता है और उसके बाद इनवॉइस खुद रवि बनाता है थर्ड पार्टी के नाम से, तो फिर ये क्या नहीं है, ये रवि ने कवि को माल देना क्या नहीं है, सप्लाई. बल्कि रवि ने किसी भोलेनाथ को माल देते वक्त इनवॉइस इशू किया तो तब वो क्या हुआ, सप्लाई. अब और भी है इसमें, डेल क्रेडिट एजेंट, डेल क्रेडिट कमीशन, और स्टिल वी आर हाफ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, कौन सा, सप्लाई. विल गो ऑन रीडिंग, देयर आर अ लॉन्ग वे टू कवर, पर करते चलेंगे और इसी तरह से ये सिलेबस हम पढ़ेंगे. आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर्स. See you tomorrow again. Bye.